तो आज हमारा बैच वन स्टार्ट हो रहा है। वीएमवेयर बीस्फीयर कोर्स का 6 महीने का कोर्स है। आज बैच वन स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 1 है आज। तो आज का लेक्चर का एक्सेस सारे स्टूडेंट्स को है, अगर वो पेड हो या फ्री हो। तो आज का लेक्चर जो है तो वो डेमो सा है, यानी आप लोगों को ये फ्री में मिलेगा, यानी इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो अगले जो सेशन होंगे तो हम उसमें इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन करेंगे, पेड के बेसिस पर सिलेक्शन करेंगे। तो वो क्राइटेरिया मैं आज आपको समझा दूंगा कि वो उसका क्या हाल है। तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं एक लिंक अभी शेयर कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं। जी सर, स्क्रीन नज़र आ रही है लेकिन छोटी स्मॉल स्क्रीन है। सही है, सो आई एम गोइंग टू करेक्ट इट। सो मैं ये कह रहा था कि अब स्क्रीन पूरी नजर आ रही है कि नहीं। अब स्क्रीन नजर आ रही है वो सफा अभी सिर्फ वो नजर आ रहा है, सफायर एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। अब। हाँ जी, अब ठीक है अब पूरा नजर आ रहा है कि नहीं, जी, पूरा नजर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं हम सही है। तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अभी एक मिनट के अंदर अंदर आपके जो भी रिलेटेड ग्रुप्स है, जो भी है, तो आपने उसमें ये सेंड करना है, ताकि और लोग भी ये फ्री सेशन उठा कर जो है ना अपना फ्यूचर चेंज कर सके, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप ये लिंक शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में एक मिनट के अंदर, क्योंकि 2 मिनट रह गए सेशन स्टार्ट होने में। अब हम वेट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स का, तब तो तक आप जो है ना 1 मिनट के अंदर ये लिंक शेयर कीजिए ग्रुप्स वगैरह में, ताकि और लोग भी जो है ना इस लिंक के जरिए सेशन अटेंड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम 2 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो 2 मिनट का टाइम हम लेंगे। सो टाइमर स्टार्ट हो गया है। इस टाइमर के अंदर आपको दोबारा बता रहा चलूँ कि आप अपने दोस्त वगैरह के साथ शेयर करें, हो सकता है उनका फ्यूचर भी आज का सेशन लेने के बाद चेंज हो जाए। तो आप 2 मिनट के अंदर इसको लिंक को शेयर करें, तब तक और लोग हम इंतज़ार करते हैं, और 2 मिनट बाद बाकायदा हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ओनली 1 मिनट 25 सेकेंड्स लेफ्ट। दे मेरा उसे दे रहा है। प्लीज अनम्यूट माइक एज वेल। दे यूटीके मैकेनिकल इंजीनियरिंग। काइंडली अनम्यूट योर माइक प्लीज। तो हमारा टाइमर खत्म होने वाला है, देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा टाइमर
अभी खत्म हो जाता है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। तो आज है हमारा लेक्चर 1, VMware vSphere ट्रेनिंग बाय साद अली सेठ, नेटवर्क एंड vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। सो सबसे पहले जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कि इंट्रोडक्शन हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ। मेरा नाम है साद अली सेठ, मैं बी एस कंप्यूटर साइंस 7 सेमेस्टर में हूँ, अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी मर्दान से, ये KP सूबे में है पाकिस्तान में, और मैं हूँ नेटवर्क एंड vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब ये है कि मैंने vSphere प्रोडक्ट पर और नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है एक्सपर्ट लेवल तक। तो मैंने नेटवर्किंग में CCNA CCNP किया हुआ है, और vSphere में मैंने जो है ना VCP DCV किया हुआ है, और मैंने vSphere के साथ साथ Hyper-V पर भी काम किया हुआ है और Zen सर्वर पर भी काम किया हुआ है। ये मेरे एक्सपर्टीज है कुछ इस तरह। मैंने वीडियो क्लाउड पर भी काम किया हुआ है SD-WAN में, इस तरह मैंने डिवोक्स में भी थोड़ा बहुत काम किया है, मगर जो मेरी खास कर एक्सपर्टीज है वो है नेटवर्किंग और वर्चुअलाइजेशन में। तो इसलिए मैं हूँ नेटवर्क एंड vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह मैंने सिस्टम साइड पर भी काम किया है, मगर उस तरह मैंने काम नहीं किया कि मैं अपने आप को उसका एक्सपर्ट कह सकूँ। तो इसलिए आई हैवंट सेड दैट आई एम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, सो आई एम ओनली नेटवर्क एंड vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम साइड वगैरह के बारे में मेरे पास नॉलेज है, मगर उस हद तक नहीं, इसलिए मैं अपने आप को वो नहीं कह सकता कि आई एम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। सो मैं आवाज़ चेक करता हूँ कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। तो अब रिस्पॉन्ड कीजिए कि आवाज़ सही है कि नहीं, कोई और रिस्पॉन्ड करें। जी सर, आवाज़ ठीक आ रही है। थैंक यू सो मच। सो आवाज़ ठीक आ रही है, ओके, थैंक यू। सो अब हम क्या करते हैं, हम आपको एक रोड मैप भी देंगे इस डेमो में, और आपको समझाएंगे भी कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली जो हमारा कोर्स का नाम है वो है vSphere। तो अगर आप ये कोर्स करेंगे, तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं हमारे साथ, 6 महीने का कोर्स है, तो आप कहलाएंगे vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये है क्या चीज़, vSphere एडमिनिस्ट्रेटर क्या सर? जी सर, इसका प्रीरिक्विजिट क्या है, और ये vSphere है क्या, हम और क्यों यूज होता है? जी, ये यही मैं बता रहा हूँ, हमारा डेमो आज इसी पर है। तो आप वेट कीजिए, सेशन खत्म होने से आपको पहले आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो vSphere एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे साथ 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हैं, आप कहलाएंगे vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। मैन हु नोस So, मैं क्या कह रहा हूँ कि vSphere एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। ओके सो आप प्लीज़ एहतियात कीजिए जो ये काम कर रहे हैं, और ना रिक्वेस्ट आ रही है कि ब्लॉक हैं, सो प्लीज़ एहतियात कीजिए, से ऐसा मत करें। तो vSphere एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, मैन हु इज एक्सपर्ट इन सर्वर और डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन इज नोन एज vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। वो बंदा जो एक्सपर्ट हो किस चीज़ में, सर्वर वर्चुअलाइजेशन या डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन में, उस बंदे को हम कहते हैं vSphere एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कोर्स है ना, ये जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप क्या कर सकेंगे, आप एक सर्वर को वर्चुअलाइज कर सकेंगे, आप एक डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज कर सकेंगे। तो आपका मार्केट में जॉब भी यही होगा कि आप कहलाएंगे vSphere एडमिनिस्ट्रेटर, और आप जॉब में क्या काम करेंगे, उसमें आप सर्वर को वर्चुअलाइज करेंगे, उसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूटिंग यानी मसले का हल निकालेंगे, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें कुछ काम करेंगे। तो ये हुआ vSphere एडमिनिस्ट्रेटर का डेफिनेशन।
अब विस्फीयर क्या चीज है? सईद भाई जी एक सवाल था, जी सर, ये जो वीएसफायर एडमिनिस्ट्रेटर है इसके अंदर प्रीरिक्विजिट के अंदर अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है सर्वर से तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करवाएंगे उसको, राइट? हाँ जी, मैं आज के डेमोस्ट्रेशन में जो है ना आपके सवालात भी लूंगा इंशाल्लाह, और मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि ये कोर्स आपने किस तरह करना है, प्रीरिक्विजिट्स की कितनी है, अगर आपकी प्रीरिक्विजिट्स से मिलती है तो क्या होगा, अगर नहीं मिलती तो ठीक क्या है होगा, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करके ही जाऊँगा। इंशाल्लाह। तो विस्फीयर, विस्फीयर है क्या चीज़? तो मैं आपको ये बताऊँ कि विस्फीयर तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपनी नोन एज, एक कंपनी है जिसका नाम है वीएमवेयर, तो ये उसका एक प्रोडक्ट है, सही ना? और ये किस किस के लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर सर्वर और डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। तो विस्फीयर क्या चीज है? ये एक प्रोडक्ट का नाम है, एक कंपनी का जिसका नाम है वीएमवेयर, तो उसका एक प्रोडक्ट है। तो ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये सर्वर या डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करने के लिए यूज होता है। अब आप कहेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या चीज है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? तो हमारे पास कुछ फॉरेन लोग भी होंगे, आई थिंक अभी तक नहीं आए, तो उनको उर्दू का मसला होगा तो फिर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मसला नहीं होगा, मगर अभी तक वो लोग नहीं आए, सो हो सकता है अगले क्लासेस में आ जाए। तो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है? कोई आपसे पूछिए वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ बार बार आ रहा है वर्चुअलाइजेशन, यहाँ भी आए कि वर्चुअलाइजेशन, तो ये क्या चीज़ है? सो इट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ आईटी infrastructure with high quality and it enhances the production environment capability. तो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन क्या चीज है? कोई आपसे पूछे मल्टीपल सिंगल, हाँ जी, तो इट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो क्या काम करती है, यूज्ड इस्तेमाल होती है रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो हमारे सर्वर वगैरह होते हैं, जो हमारे नेटवर्किंग की चीज होती है, स्टोरेज सर्वर होते हैं, तो आप अगर उसकी कॉस्ट कम करना चाहते हैं, सही है, विथ हाई क्वालिटी, कि आपको क्वालिटी घटेना यानी क्वालिटी वही बरकरार रहे या उससे ज़्यादा क्वालिटी हो, एंड इट इन्हांसेस द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैपेबिलिटी, कि आपका जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है ना उसमें यानी कैपेबिलिटी जो है ना वो फास्टली ग्रो करे, तो आप वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझाता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हार्डवेयर है, हमारे पास एक हार्डवेयर है, ये हुआ हमारे पास हार्डवेयर, तो इसके ऊपर जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या चीज होगा, एप्लीकेशन होंगे, सर्विसेस होंगे, सही? तो ये हुआ ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिशनल यानी जो आमतौर पर यूज होता है वर्चुअलाइजेशन से पहले का। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या चीज है, तो चलिए देखते हैं। तो
वर्चुअलाइजेशन में क्या है, वर्चुअलाइजेशन में यही चीज़ है कि ये हार्डवेयर होगा, सिर्फ ये हार्डवेयर होगा हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल होगा। हाइपरवाइजर क्या चीज़ है मैं अभी आपको समझाऊंगा, सही। हाइपरवाइजर के ऊपर जो है ना हमारे मशीन्स बनेंगे, जिस तरह हमारे पास ये हार्डवेयर है ना उस तरह के मशीन्स बनेंगे, वो आपकी मर्जी है आप कितने बनाना चाहते हैं, सही। उसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर डिपेंड करता है कि पास कितनी रिसोर्सेस है, क्योंकि वो रिसोर्सेस लेगा। इस तरह उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इस तरह इस मशीन पर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, इस मशीन को चलाता है, फिर इस मशीन के ऊपर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो हमारे पास स्मॉल स्मॉल मशीन बनेंगे, इस तरह यहाँ पर एक ऐप रन होगा, इस तरह यहाँ पर भी एक ऐप रन होगा। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारा हुआ क्या चीज, ये हमारा हुआ हार्डवेयर। ये बेसिकली ये इसके साथ कंपेयर करें जरा, हार्डवेयर हार्डवेयर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होगा हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या चीज़ है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मगर अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। हाइपरवाइजर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, जिसके ऊपर हम मशीन्स बना सकते हैं, और उन मशीन्स को हम नाम देते हैं वीएम। वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन, यानी ये वर्चुअलाइज होके एक मशीन बनता है, वर्चुअलाइजेशन। इस तरह आप जितने वीएम बनाना चाहते हैं तो बनाइए, आप बना सकते हैं। तो इसके ऊपर जिस तरह इस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इस तरह इस हार्डवेयर जो होगा ना वीएम, जिसे हम वीएम कहते हैं, उसके ऊपर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा। साइज भी थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे, ये आपने जो ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर बनाया, ये एक वीएम बन गया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद ये हाइपरवाइजर क्या है? हाइपरवाइजर सिंपल तौर पर ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके जरिए हम वीएम्स बनाते हैं, यानी ये वर्चुअल मशीन हम उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। अगर ये ना हो तो हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। ये हाइपरवाइजर वही है जो जो मतलब VM workstation जो सॉफ्टवेयर है वही है, वो एक उसको ही बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाँ, टाइप टू हाइपरवाइजर है वो, सही है। हाँ, समझ आ गया, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर का नाम है। हाँ जी, तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर तीन मशीन्स बन गए। अगर हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें जो वर्चुअलाइजेशन से पहले की टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें क्या होता था, अगर आपको तीन मशीन चाहिए होते तो आप बाजार से लेकर तीन हार्डवेयर खरीदते, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो नहीं, वर्चुअलाइजेशन में ये फ़ायदा है कि आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक ही हार्डवेयर लेना है। अगर आपको तीन मशीन चाहिए तो आप तीन हार्डवेयर ना लें, आप उसके ऊपर तीन वीएम इंस्टॉल करें हाइपरवाइजर के जरिए, तो आपके पास तीन हार्डवेयर की कैपेबिलिटी आ जाएगी। सही है, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, मगर फिर भी जब आप तीन हार्डवेयर लेते हैं तो उससे आपका कॉस्ट कम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्चुअलाइजेशन आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कम करता है, और वो भी हाई क्वालिटी के साथ। यानी अगर आप वीएम चलाते हैं या आप एक रियल मशीन चलाते हैं, तो दोनों में क्वालिटी का फर्क नहीं होगा। एंड इट इन्हांसेस द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैपेबिलिटी। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप तीन हार्डवेयर लेते हैं और वर्चुअलाइजेशन यूज करके आप एक हार्डवेयर पर तीन वीएम बनाते हैं, तो काम तो एक जैसा होगा, मगर इस पर खर्चा कम आएगा और आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। कैसे? वो ऐसे कि अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप जितने वीएम बनाना चाहे तो उसकी लिमिट नहीं है, आप बना सकते हैं। मगर हार्डवेयर में क्या है कि आपने एक हार्डवेयर लाए तो उसके ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और फिर एप्लीकेशन रन करेंगे, तो आपने एक एक हार्डवेयर लाना होगा तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया आजकल मूव हो रही है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर वन। लेक्चर टू स्टार्ट करते हैं, सो टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर टू। तो ब्रेक में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हेलो सर। जी जी। हेलो सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ जो हार्डवेयर है, आपने हार्डवेयर के ऊपर जो हाइपरवाइजर जो ऐड किया है, ये उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है क्या? डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर
हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है कि डायरेक्ट हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो जाता है? नहीं, इसमें जो है ना बेसिकली हमारे पास दो 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 पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो सिस्टम में, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो, जैसे आपने क्वेश्चन उठाया, तो फिर क्या होगा? फिर हम उस हाइपरवाइजर को कहते हैं, ये देखिए मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, लेक्चर टू अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक खत्म हुआ 1 मिनट का, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन का जवाब भी देता हूँ और लेक्चर टू भी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हाइपरवाइजर क्या चीज़ है? अभी मैंने आपको यही बताया था कि आपने हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर शो करना है, तो अब आप कहेंगे कि हाइपरवाइजर क्या चीज़ है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज हाइपरवाइजर। तो बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना रियल में, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे हम कहते हैं हाइपरवाइजर, तो उसके बगैर वर्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता। तो हमारा कोर्स का नाम ये है कि वीस्फीयर। वीस्फीयर का मतलब है ये एक प्रोडक्ट है, ये कि मैं दोबारा कह देता हूँ, वीस्फीयर क्या चीज़ है? ये एक प्रोडक्ट का नाम है, एक कंपनी ने बनाया है वीएमवेयर के नाम से, जो कंपनी है उसने एक प्रोडक्ट बनाया है किस चीज़ के लिए? सर्वर या डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करने के लिए, सही है ना? तो हमारे पास मैंने एग्जांपल दिया एक सर्वर का कि सर्वर हार्डवेयर है, तो अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होगा तो इस तरह होगा, अगर वर्चुअलाइजेशन होगा तो इस तरह होगा। तो वर्चुअलाइजेशन का क्या फ़ायदा है, मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझाया है। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर क्या चीज़ है? ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो किस चीज़ के लिए यूज होता है? वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो इसमें काम है थ्रू हाइपरवाइजर 10 मिनट्स के बाद सेशन एंड हो जाएगा, तो मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा, आपने दोबारा करना है। सो थ्रू हाइपरवाइजर वी कैन क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन, तो उसमें आप मशीन जो बनाते हो उसे हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअली मौजूद होता है, यानी उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, तो उसके जरिए आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया कि हाइपरवाइजर है, तो उसके ऊपर आप मल्टीपल, जैसे मैंने 3 मशीन बनाए ऐसे हैं। तो हाइपरवाइजर के अब 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। फर्स्ट है Type 1 hypervisor, second है Type 2 hypervisor। अब जो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन उठाया था, तो उसका आंसर उसे अब भी मिल जाएगा। तो अब कोई आपसे पूछे कि what is Type 1 hypervisor, Type 1 hypervisor क्या चीज़ है, तो आपने क्या आंसर देना है? आपने आंसर देना है hypervisor which is installed directly on hardware is known as Type 1 hypervisor, यानी वो hypervisor जो हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इंस्टॉल हो, उसे हम कहते हैं Type 1 hypervisor। यानी इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होती कि सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम आए। जब आप ये इंस्टॉल करते हैं ना, तो क्या होता है, आप उसके ऊपर VM बनाते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये देखिए मैंने बनाया अभी, उसके ऊपर VM बनाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं 3 VM पर, और उस पर ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ Type 1। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डायरेक्टली था, इसमें हाइपरवाइजर है, यहाँ पर सिर्फ हाइपरवाइजर होगा, उसके ऊपर आप VM बनाएंगे, तो इसको हम कहते हैं Type 1 हाइपरवाइजर। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहे कि सही है ये हुआ Type 1 हाइपरवाइजर, मगर फिर Type 2 का क्या मतलब है? तो Type 2 का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तसल्ली करवाऊँ कि जिस बंदे ने क्वेश्चन किया था, क्या उसको आंसर मिल गया है कि नहीं? सर मिल गया। तो अब हमें समझाइए कि आपने क्या क्वेश्चन किया था और आपको क्या जवाब मिल गया है। ये कि हार्डवेयर के ऊपर जो हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है, उसके बाद उस पर वीएमवेयर होता है बनता है, उसके बाद ओएफ होता है, उसके बाद एप्लीकेशन होता है। जबरदस्त, तो इसको हम डिटेल में भी जानेंगे, मगर उससे पहले समझते हैं Type 2 हाइपरवाइजर क्या चीज है। तो हाइपरवाइजर व्हिच इज नॉट डायरेक्टली
installed on hardware, but installed on operating system is an application or service is known as type 2 hypervisor. इसका मतलब ये है कि hypervisor which is not directly installed on hardware, जो hardware पर जिस तरह मैंने ये बनाया कि ये hardware पर install हुआ directly, तो वो hypervisor जो hardware पर directly install ना हो but installed on operating system, जो क्या हो, जो एक विंडो या लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाए एज एन एप्लीकेशन और सर्विस, यानी एक सर्विस की तरह या एक एप्लीकेशन की तरह इंस्टॉल हो, उसे हम कहते हैं टाइप टू हाइपरवाइजर. तो उसे हम कहते हैं टाइप टू हाइपरवाइजर. यस, दिस लेक्चर इज इन हिंदी. सो वन मिनट, गिव मी वन मिनट प्लीज. यहाँ पर एक इंग्लिश में नहीं आया तो उसके लिए मैं भी आसानी करवा रहता हूँ. तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नहीं समझते तो थोड़ा ट्राई करें कि समझे, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश में जा रहा हूँ कि वो हिंदी नहीं समझता. ये साउथ अफ्रीका का बंद है तो आप काइंडली जाना बर्दाश्त कीजिएगा. सही. तो वेलकम रेजिनाल्ड, आर यू लिसनिंग? यस, आई एम लिसनिंग सर. सो डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लिसनिंग इन हिंदी? Well, unfortunately, I can't translate Hindi. I don't know how to read or speak in Hindi. But you should try to arrange the translator. Okay. Because there okay, are I'll translators. Try and do that. Because there are translators available through which you can hear our voices in English. Okay, no problem. I'll try and do that. Yes. So I'm trying to now continue this lecture in English, but you have came late, so try to come on time again. And now I'm going to start the lecture from scratch because you were not present and we were discussing in Hindi. So now I'm starting from scratch. No, okay? No, it's fine, sir. You can carry on from where you had left off. Don't start from scratch. I'm a bit familiar with the operations. And. But if others, participants will not disagree, then I will start from scratch. So do people disagree? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा शुरू से स्टार्ट करूं? सर इट इज अ लेट, अगर आप दोबारा शुरू करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा फिर. मच बेटर होगा कि वो ट्रांसलेटर यूज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल यूज इन कम फ्रैंक इन हिंदी. अदरवाइज आप इंग्लिश अगर यूज करेंगे तो बहुत ऊपर से गुजरेगा और वर्डिंग समझ में नहीं आएगा सर. सही है, सही सही. तो अब क्या करते हैं, इंग्लिश में करें कि हिंदी में? सर ज्यादा बेटर होगा कि वन पीपल के लिए आप एक लोग के लिए आठ लोग को निगलेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदी उर्दू ही यूज कर रहे हैं, उनकी मदर टंग है तो उनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ऐसे आप इंग्लिश अगर ट्राई करेंगे तो बहुत कुछ होगा जो समझ में नहीं आएगा. सो मिस्टर रेजिनाल्ड, द मोस्ट पीपल आर एग्री दैट यू शुड कंटिन्यू द लेक्चर इन हिंदी एंड उर्दू. सो दे डिसएग्री विद द डिसीजन टू कंटिन्यू लेक्चर इन इंग्लिश. So now I think you should arrange the translator for yourself. It's not too much expensive, I think. Okay, sir, no problem. Because you can continue in Hindi then, because, or Urdu. Yes, because if I will continue in English, so there will be a big problem for the huge participants. So their maximum strength of participants are based on Hindi and Urdu. So that's why they would have a problem. Okay, no problem, sir. So when the link is expired, so you should click on the link again, okay? And you should join again. So, मैं क्या कह रहा हूँ कि type 2 hypervisor से कहते हैं जो as application जो है ना operating system पर install हो जाए, directly hardware पर install ना हो, उसे हम कहते हैं okay. Reginald, they said that if you have any confusion, you can ask, then we will answer you in English.
Okay, sir, that will be fine. Okay, तो मैं क्या कह रहा था कि type 2 hypervisor क्या चीज़ है? तो मैंने आपको बता दिया. अब हमें काम करते हैं, ऐसे करते हैं कि यहाँ पर स्टॉप मैं कर देता हूँ और आप लोग जो है ना दोबारा लिंक पर क्लिक करें और दोबारा ज्वाइन हो. Reginald, kindly click on the link again. I am going to sign in the group and also share the links with others and join again because this session is going to expire in 1 minute. So kindly join again. आप लोग दोबारा लिंक पर क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करें. Okay, thank you very much. तो हम वेट करते हैं फॉर 1 मिनट. आफ्टर 1 मिनट वी विल कंटिन्यू. सो लेट्स वेट 1 मिनट फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स. तो 1 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा. सो हम टाइमर लगाते हैं यहाँ पर. You should wait for 60 seconds. In 60 seconds, send the meeting link to others. They should also learn from this demo, which is free of cost. After 50 seconds, we will continue our lecture. So let's wait for other participants. You also share the link with others so others can also learn something. So kindly share the link. After 35 seconds, we will continue our lecture. So let's wait for other participants as well. सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सेम ही है? हाँ जी. ओके सर, थैंक यू. सो हमारा टाइमर खत्म हो चुका है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर. काइंडली शेयर द लिंक विद अदर सो अदर कैन आल्सो ज्वाइन. सो हमारा लेक्चर 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है. अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3. तो लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ेंगे ये बात याद रखिए. लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे कि इस कोर्स के प्री रिकॉर्डर्स क्या है. व्हाट आर द प्री रिकॉर्डर्स टू डू दिस कोर्स. सो लेट्स लर्न दिस. सो this is lecture number 3. So prerequisites kya hai, what are the prerequisites. To prerequisites ye hai ki agar aapne ye course karna hai to agar aap mein ye do capabilities hui na तो आप ये कोर्स कर सकते हैं. यू आर परफेक्ट फॉर दिस कोर्स. तो फर्स्ट है हमारे पास कि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज आनी चाहिए. यू शुड नो अबाउट नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में आपने अगर कम से कम CCNA किया हुआ हो या CCNP किया हुआ हो या CCIE तो आप इस कोर्स के लिए एबल हैं. अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खतरे में हो जाएगी. तो दूसरी जो पॉइंट है वो है सिस्टम साइड, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. यू शुड हैव अ ग्रिप ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन MCSE. आपने ये कोर्स अगर किया है MCSE तो यू आर वेल एंड गुड फॉर दिस कोर्स. तो अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स किसी की कंप्लीट है तो वो ये कोर्स कर सकता है. तो अभी मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा. तो अभी यहाँ पर एक मसला हुआ है. मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो मैंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन किया हुआ था आप लोगों के सामने और आप लोगों का नहीं किया हुआ था. तो सॉरी मैं वो असल में भूल गया था. तो अभी इंट्रोडक्शन करवाते हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे प्रीरिक्विजिट्स के बारे में तफसीली. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया है. सो नाउ यू ऑल शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो मिस्टर मोहित शानू, टर्न ऑन योर वीडियो कैमरा एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सर मेरा नाम मोहम्मद शानू, मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया से, इंडिया के यूपी स्टेट यूपी से.
मैंने फिर एमपीएफई किया हुआ है और फीफीएनए का कुछ टॉपिक मैंने कंप्लीट किया हुआ है, फुल नहीं किया है, लेकिन हाँ बेसिकली कह सकते हैं हाँ बहुत कुछ, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बहुत कुछ आता है। और मैं आईटी के फील्ड में 8 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे फोफोज पे काम किया हुआ है और बहुत से नई नई फोफोज फायरवॉल पर ज़्यादा काम किया हुआ है मेरा, और नेटवर्क एज अ प्रेजेंट में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहा हूँ। Zabardast. Thank you so much, Mohit Shanu, for introducing yourself. Now let's move to other participant. Farhan Khan, turn on your video camera and try to introduce yourself. Mr. Farhan Khan, we are waiting for you. Apna camera on kijiye aur apne aap ka taaruf kijiye. Farhan Khan. ओके आप ऑडियो में बोलिए फरहान खान, आप ऑडियो में बोल सकते हैं। मिस्टर फरहान खान, ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो यू शुड क्लिक ऑन द माइक ऑप्शन, योर माइक इज ऑन। You can talk, Farhan Khan. You can introduce yourself. दोबारा reconnect हो जाइए, आ जाएगा mic का option. Farhan Khan. वहाँ पे cellular data का option होगा, उसपे click करेंगे तब mic का option आ जाएगा. Mr. Farhan Khan. Okay, we will come to you again. So, आप अपना इंतजाम कीजिए, तब तक हम दूसरे participant की तरफ चलते हैं. तो जेड 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 सो प्लीज अपना नेम जो है ना वो रिनेम कीजिए और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बट उससे पहले कैमरा ऑन कीजिए। जेड 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 प्लीज रिनेम योर नेम, टर्न ऑन योर कैमरा एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। We are waiting for you. Please introduce yourself. Okay, we will wait for you. Please try to arrange something. And let's move to another participant. So, Muhammad Asif, try to unmute your mic. Try to turn on video call and try to introduce yourself. Muhammad Asif, over to you. Sir, just give me 1 minute. And please rename your name ZZZ. Sir, my name is Muhammad Asif. I belong to the large district of Punjab, Rajanpur. So I have graduated health and physical sciences. So I understand what you teach, but here is my question. If I don't have background in CCNA networking, such a things, so can I become the part of this or not? So I will answer you. So after introduction session, I will answer you. Okay. Before completing okay. the session, I will clear all of things in all of your minds. So हम बढ़ते हैं, थैंक यू मोहम्मद आसिफ फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, बढ़ते हैं पाक इंटेलिजेंस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पाक इंटेलिजेंस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मिस्टर फरहान खान इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Mr. Farhan Khan, introduce yourself. Muhammad Asif, turn on. Sorry, you have introduced yourself. Thank you for that. Muiz Khan, please introduce yourself. Mr. Muiz Khan, turn on your video camera, unmute your mic, and try to introduce yourself. Mr. Muiz Khan,
So we are going to remove pack intelligence because we have done some violation. You can check that in the chat room. So, Mr. Farhan Khan, try to introduce yourself. Mr. Muiz Khan, try to introduce yourself. No response. So, I'm going to remove Muiz Khan because he is not responding. Mr. Muiz Khan, I am giving you last chance to respond, please. Okay, so now you are not responding, so I am going to remove you, okay? Mr. Farhan Khan, please introduce yourself. Mr. Farhan Khan, I am going to remove you. If you will not respond. Assalamu alaikum. Yes, wa alaikum assalam. Sir, my name is Farhan Khan. I have done my master's in computer science and I were employed in PDCL since 8 years. And now I am doing IT consultancy with private firms. Why you want to move towards virtualization? Because many clients are using VMware, and now I am familiar with some software background, and nowadays I am working on DevOps, and VMware is also using by my customers. That's why I'm interesting to do this. Okay. So, हम बढ़ते हैं last participant की तरफ. So, Mr. Reginald, try to introduce yourself, but before that, try to turn on your video camera. It's over to you, Mr. Reginald. Hi everyone. My name is Reginald. I'm from South Africa. I could say I'm a level one network administrator, and the reason why I'm trying to learn virtualization is mostly because I've had some previous experience in VMware, and I've been studying with another lecturer, but things didn't end, let me say, in a good way. So at the present moment, I guess I would say overly, I would just like to learn more and gain more experience and more knowledge in visualization so that I could complete my studies and write my exams. Okay, thank you so much, Mr. Reginald, for introducing yourself. Let's move to last participant, Hazrat Umar. Try to unmute your mic, try to turn on video call and try to introduce yourself. After that, we will continue our session. Mr. Hazrat Umar, we are waiting for you. Try to introduce yourself. Mr. Hazrat Umar, try to introduce yourself. Hello. Turn on your video camera. Sorry, sir, I can't open my video camera because I am somewhere. Okay, no problem. Try to introduce yourself. Okay, my name is Hazrat Umar. I am BS Computer Science graduate. I am working as a computer instructor. Okay. Recently studying cybersecurity here. Okay, thank you so much. So, अब हम बढ़ते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं. So, let's continue the lecture. तो मैंने कहा कि prerequisites क्या है? Prerequisites है कि आपने networking में CCNA, CCNP या CCI किया हुआ है. एक इन तीनों में आपने एक भी किया हुआ है, तो आप चलेंगे इस कोर्स में. दूसरा, system administration MCC अगर आपने किया हुआ है,
तो यू आर वेल एंड गुड फॉर दिस कोर्स. अब बात अच्छी है कि अगर आपने ये प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट नहीं की तो फिर आपका पाथ क्या होना चाहिए. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. इफ यू हैव नो नॉलेज अबाउट नेटवर्किंग एंड सिस्टम साइड देन व्हाट शुड बी your pathway. तो ये तो हुआ कि vSphere उन लोगों को करना चाहिए जिनका इन दो चीज़ों पर ग्रिप हो. मगर आप vSphere कर सकते हैं मगर बात आती है उन लोगों की जिनका इन दोनों चीज़ों पर ग्रिप ना हो तो उनके लिए क्या रास्ता है. तो चलिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ. रास्ता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बंदे हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस आती है. आपको कंप्यूटर साइंस आती है तो फिर आपका पथ भी ये होगा. यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका पथ भी इस तरह का होगा कि आपको पहले सीखना होगा कंप्यूटर साइंस, फिर आपको सीखना होगा नेटवर्क. अगर आप इस साइड पे आना चाहते हैं vSphere की तरफ तो मैं आपको उसका पथ भी दिखा रहा हूँ. आपको सीखना होगा कंप्यूटर साइंस यानी उसका बेसिक, फिर आपको एक कोर्स करना पड़ेगा नेटवर्क एसेंशियल्स, फिर आपको एक कोर्स करना पड़ेगा CCNA. और अगर आप यही कर लेते हैं ना और उसके बाद आप करते हैं MCSE तो फिर आप आ सकते हैं vSphere की तरफ. अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हुए तब अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हुए तब आपको ये पाथवे अख्तियार करना होगा. अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, Not a computer science student. अगर आप computer science के student नहीं है तो आपका pathway क्या होगा. आपका pathway फिर वही होगा कि computer science के basics आपको सीखना होंगे, आपको network essentials सीखना होगा, आपको CCNA सीखना होगा, आपको MCSE सीखना होगा और फिर आप vSphere की तरफ आ सकते हैं. मगर यहाँ पर एक बात है कि जो जिसको कंप्यूटर साइंस आता है ना तो वो कंप्यूटर साइंस का बेसिक नहीं सीखेगा, वो नेटवर्क एसेंशियल से स्टार्ट करेगा. मगर जिसको कंप्यूटर साइंस ही नहीं आता तो वो पहले कंप्यूटर साइंस सीखेगा फिर इसकी तरफ आएगा. तो अब ये पाथवे जो है ना जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है रियल में. तो पहले हम पूछेंगे पार्टिसिपेंट्स के कौन कौन से लोग हैं जिनमें ये दो क्वालिटीज है, नेटवर्किंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन दोनों आती है, तो वो vSphere कोर्स के लिए हमारे पास परफेक्ट होंगे. अगर नहीं तो फिर उनको इन दो रास्तों में एक रास्ता चुनना पड़ेगा. और जो लोग इन दो रास्तों में एक रास्ते पर जाएंगे तो फिर उन्हें मैं रियल में बताऊंगा कि आपने किस तरह इन रास्तों पर जाना है. तो मूव करते हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ. सो मिस्टर फरहान खान, टर्न ऑन योर वीडियो कैमरा, ट्राई टू अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी द क्वेश्चन आंसर. मिस्टर फरहान खान, मुझे ये बताइए कि आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आती है कि नहीं. Yes, sir. आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आती है कि नहीं? नेटवर्क में सर लेयर 3 पे तो मैंने अभी तक काम नहीं किया, बट लेयर 2 तक मैं काम. तो आपको CCNA आपने किया हुआ है? CCNA में मैंने कोर्स किया हुआ है बट सर्टिफिकेशन नहीं किया. नहीं, स्किल की बता रहा हूँ मैं. आपने CCNA किया हुआ है, ट्रेनिंग स्किल्स आती है मुझे जी. तो मैं यही बता रहा हूँ. तो इसका मतलब है यू आर परफेक्ट टू एनरोल इन दिस कोर्स. यस. तो मूव करते हैं हजरत उमर की तरफ. ट्राई टू अनम्यूट योर माइक, ट्राई टू टर्न ऑन योर वीडियो कॉल एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. हजरत उमर, मुझे ये बताइए कि आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आती है? सर मैंने HCI किया हुआ है और CCNA की ट्रेनिंग ली है. नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर दीजिए. आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन MCSE कोर्स आता है? नो सर, नो सर. सही है. आपको नेटवर्किंग कोर्स आती है? यस सर. सही है. तो इसका मतलब है कि आप परफेक्ट यानी
इस तरह आने के बाद हाँ आप ये कोर्स कर सकते हैं, मगर उस तरह का परफेक्ट इसलिए नहीं सोचते कि दो रिक्वायरमेंट्स है ना, अगर आप में ये सारी कैपेबिलिटीज हुई दोनों तो आप इस कोर्स के लिए परफेक्ट है। तो परफेक्ट मतलब है कि आप हाँ सही है, मगर आप चल सकते हैं क्योंकि आपको नेटवर्किंग आती है, मगर सिस्टम साइड में फिर आपको मसला होगा। सही है, ठीक है सर। सही है, तो मूव करते हैं मोहित शानू की तरफ। मोहित शानू, ट्राई टू अनम्यूट योर माइक, ट्राई टू टर्न ऑन वीडियो कॉल एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। मोहित शानू, हमें बताइए आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आती है कि नहीं? जी सर, मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आती है, एमसीएससी का मैंने कोर्स किया हुआ है। आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आती है कि नहीं? जी हाँ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, वो भी लेयर 2 की आती है, मैंने सीसीएन ने पढ़ा हुआ काफी टाइम पहले, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये है कि मैं अगर रिवीजन करूंगा तो वो कंप्लीट कर लूंगा। सो इट्स मीन यू आर परफेक्ट टू एनरोल इन दिस कोर्स। ओके ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर पार्टिसिपेंट, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, टर्न ऑन योर वीडियो कॉल, टर्न ऑन योर माइक एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। फरहान खान, हमें ये बताइए कि आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आती है? मैंने ये दोनों चीजें नहीं पढ़ी हुई, मुझे समझ आ गई। मुझे जो है ना कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ी सी हो ना है, और बाकी ये नेटवर्किंग और वो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। अगर मुझे आप गाइडलाइंस दे देंगे सही, वो तो मैं मतलब एक क्विक लर्नर हूँ, मैं खुद पढ़ सकता हूँ इन चीजों को। सही है, सही है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। सही है, ओके सर। तो फरहान खान ने कुछ कहना है तो सही है, सही। तो मिस्टर रेजिनाल्ड, टर्न ऑन योर वीडियो कॉल, ट्राई टू अनम्यूट योर माइक एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। डू यू हैव एक्सपर्टीज और डू यू हैव some knowledge about the system administration MCAC or not? Hello sir, please rephrase your question. I mean, do you have any expertise or do you have any basic knowledge about system administration or not? Yes, I do have experience on that, sir. And what about network administration? Also on network administration, CCNA. Yes, yes. So you have done CCNA. Yes. Okay. So it's mean that you are perfect to enroll in this vSphere course. Very, very much, sir. Thank you. Okay. So अब हम चलते हैं, जिस तरह अभी environment create हुआ, जिस तरह आप लोगों ने मेरे साथ interact किया, मेरे साथ answers दिए, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक एक बंदे को एक गाइडलाइन देता हूँ, इकट्ठे से नहीं देता, क्योंकि आपके जो हमारे पास राय आई है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट आई है, किसी की भी मैच नहीं कर रही है। तो अगर मैं इकट्ठे दूंगा तो वो कर जाती होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक एक बंदे का अकेला अकेला जो है ना आपको गाइडलाइन देते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फरहान खान की तरफ। फरहान खान, अपना वीडियो कॉल ऑन कीजिए और हमारे साथ बात कीजिए। यस सर। तो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी वगैरह है कि नहीं? सर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं है, अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि आप काफी एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिकली इन केस कहीं कंफ्यूजन होगी तो जरूर आपसे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, आपको पता है आपने मेरे नाम से के साथ देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है नेटवर्क एंड वीएसफेयर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी मेरे पास जो है सिस्टम वगैरह की नॉलेज है, मगर उस हद तक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वो नहीं कहता कि मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अगर होता तो मैं कह देता, मगर मैं वो इसलिए अपने आप को नहीं कहता कि मेरे उस तरह उसमें डीप नॉलेज नहीं है सिस्टम साइड पे, यानी उस तरह है, मगर आपकी एक्सपर्टीज नेटवर्क साइड पे ज्यादा है। हाँ, तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे जी। तो हर एक बंदे की तो हर एक चीज में नहीं हो सकती ना, किसी का किस चीज में, बिल्कुल यही बात है ना। तो आपको नेटवर्किंग के बारे में कोई वीकनेस है नहीं? सर वीकनेस तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं अभी इंडस्ट्रीज के साथ ही काम कर रहा हूँ। इनके कोई सलूशन आ रहा है, बेसिकली भाई ऑलरेडी सीसी आई है, तो अगर कोई मुझे कंफ्यूजन होती है तो मैं सेटल कर सकता हूँ। ऑडियो बिल, हेलो, ओके, आवाज आ रही है? सही, तो सही है, इसका मतलब है कि आप तो इस कोर्स के लिए
ऐसा है कि बस एनरोल होना चाहिए आपको क्योंकि दिस कोर्स इज बेस्ट फॉर यू, सूटेबल फॉर यू. ऑलराइट, तो इसके लिए तो मुझे कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है कि आपको दूं, बस यही सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वीएम वी स्पेयर का जो आप ये अभी कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन इतना लॉन्ग क्यों है, हाउ लॉन्ग फॉर 6 मंथ्स दिस कोर्स? वैसे क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? सर मेरे ख्याल में तो 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के अंदर ये कवर हो जाना चाहिए. आपको पता है बात कि मेरे जो भी कोर्सेस है ना, खैर मैं आपको एक चीज दिखा रहा था, खैर क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. मैं आपको एक इनफॉर्मल सी चीज दिखाता हूं आउट ऑफ द मीटिंग, आउट ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि यहां पर बात ये सी है कि अभी वो दिखाना जरूरी है क्योंकि फिर वो जाती होगी. तो चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूजन रहे. तो ये देखिए आप खुद अभी यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है. सही है, सॉरी फॉर द इंटरनेट इशू, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है. यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. सही, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, CCNA and CCNP paid course. ये एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है. सही है, इसमें 10 पार्टिसिपेंट्स है पेड कोर्स में. इसमें क्या होता है, इसमें हम बहुत एडवांस फीचर्स शेयर करते हैं, लाइव क्लास होता है, रिकॉर्डिंग होती है, परफॉर्मेंस चेक करना होता है, इसमें नोट्स वगैरह सेंड करते हैं. इसी ये ऑफिशियल ग्रुप है, फिर इसी का एक दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है CCNA and CCNP by Saadil Syed. इसमें आप देख सकते हैं इसमें मेम्बर बहुत ज़्यादा है, यानी एक मिनट में आपको दिखा दूँ, 54 पार्टिसिपेंट्स हैं. तो बेसिकली ये जो है ना ये फ्री ग्रुप है, इसमें हम सिर्फ नोट्स शेयर करते हैं, ना लाइव क्लास ना रिकॉर्डिंग. तो क्या होता है इसमें, इसमें हम CCNA और CCNP पढ़ाते हैं. हफ्ते में सिर्फ मंडे ट्यूजडे वेनजडे की क्लासेस होती है 3 दिन की. और मैं भी आपको इसका परफॉर्मेंस थोड़ा दिखा दूँ, आपको अंदाजा हो जाए कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, मेरी टीचिंग का तरीका क्या है. ये देखिए ये है एक हफ्ते का काम, यानी 3 दिनों का काम. 4 दिन की छुट्टी इसलिए होती है ताकि आप लोग फ्रेश हो जाए, आप लोग के भी कोई काम होती है. ये देखिए एक एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हम ट्रैक करते हैं, उनसे हम मेहनत करवाते हैं. यानी देखिए आप खुद देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने कितना मेहनत किया हुआ है, आप देख सकते हैं, नजर आ रहा है ना, देख सकते हैं फरहान खान? जी जरूर. तो ये है एक हफ्ते का काम. और अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग जी मैं देख रहा हूँ, आप वीडियो रिकॉर्डिंग अब देखें कि हमारा वीडियो कितना ड्यूरेशन का होता है. ये बात याद रखिए, ये देखिए 1 घंटा 20 मिनट का ये लेक्चर 2 है. पर माइक बंद करें. तो इसका सर कोर्स कंटेंट और जो मैं आपको ये भी जो टॉपिक्स हैं वो आप शेयर करेंगे अभी हमसे? हाँ अभी मैं इस सेशन में आपको शेयर करूंगा, मगर ये देखिए मेरा जो एक हफ्ते का काम था ना टोटली, तो वो कितना था आप देख सकते हैं, वो तकरीबन 6 घंटे का था मिला के. तो मैं ये कहना चाहता था आपसे कि 6 घंटे में हमने सिर्फ एक हफ्ते काम किया. यानी मैं जो पढ़ाता हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से काम भी लेता हूँ, सही ना, सिर्फ अपना डिलीवर नहीं करता, और अपना भी इतना डिलीवर करता हूँ कि बहुत ज़्यादा, और ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, सही ना. अभी आप देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है आपके साथ सेशन ले रहे हैं, तो मैं वक्त भी स्टूडेंट्स के लिए निकालता हूँ. तो 6 घंटे में हमने एक हफ्ता काम किया, और ये था 6 महीने का कोर्स CCNA प्लस CCNP. उसमें ऐसे ऐसे बंदे थे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बंदा है मोहम्मद आसिफ, कि वो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता, तो उस तरह के बंदे थे, सही ना. तो हम यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक चीज़ एक कोर्स जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो बिल्कुल स्क्रेच से पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. तो बेसिकली हमारा अंदाज यही है. तो एक हफ्ते में जब हमने 6 घंटे काम किया तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ये कोर्स 6 महीने क्यों है. इसका मतलब यही है कि हम आपको कुछ यानी इस तरह डिलीवर करना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर स्फीयर एडमिनिस्ट्रेटर जॉब, आप इंटरव्यू के लिए जाए, आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछे कि प्रेशर ना हो कि मैंने आपको वो पढ़ाया नहीं हो, मैं चाहता हूँ मैंने आपको इस तरह पढ़ाया हो डीप में कि आपको सवाल ही पैदा ना हो कि आपसे वो भूल जाए. सो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा आपसे भी करवाऊँगा और ख़ुद भी आपके साथ करूँगा, आपने खुद देख लिया है. तो अब आप खुद बताएं कि 6 महीने जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है. तो आप कह रहे हैं कि नहीं 2-3, वो तो फिर ऐसे होगा कि मैं डायरेक्टली बस आपको पढ़ाते जाऊँगा और आप सुनते जाएंगे और आपको फिर समझ नहीं आएगी. तो मैं नहीं चाहता कि वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट जब तक कोर्स कंटेंट हमें पता नहीं चलेगा तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे, क्योंकि आप फिर इस तरह से है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं ना. हाँ तो हाँ उसमें फिर थोड़ा सा हम लेट हो सकते हैं, अदरवाइज अगर कोर्स एक रिदम के तहत डिजाइन हुआ हुआ हो
तो आई थिंक 3 मंथ्स इज मोर देन इनफ फॉर द कोर्स. हाँ वो तो देखा जाएगा क्योंकि हम तो टाइम बहुत ज्यादा देंगे इसको, सही ना. हो सकता है कि वो आपकी बात सही निकले कि हम गेसिंग कर सकते हैं कि 6 महीने 3 महीने, यानी हमें तो फ्यूचर का पता नहीं है, मगर वो तो डिपेंड करता है हम कितने हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं. तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना ज्यादा काम करते डाइजेस्ट ऑन द डाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. हाँ तो वो तो मुझ पर डिपेंड नहीं करता कि मैं बताऊँ कि 6 महीने, वो तो हो सकता है कि एक साल लगे, 2 महीने लगे, 1 महीने लगे, वो तो डिपेंड करते हैं हम कितना ज्यादा काम करते हैं. जी जरूर. मैं आपके साथ कोर्स कंटेंट अभी शेयर करूंगा, सही ना, वो आप बेगम हो जाएंगे. तो आपका कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, नो सर, कंटिन्यू करें. थैंक यू सो मच सर. तो हम मूव करते हैं हजरत उमर की तरफ. टर्न ऑन योर वीडियो कॉल, ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ, और हमें बताइए कि आपको जो है ना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आती है. हजरत उमर सर, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, मैंने बात पूरी नहीं सुनी. हजरत उमर, आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आती है कि नहीं? नहीं सर, नहीं आती. तो इस कारण में मैं भी आपको बताऊं, फिर हम आगे बढ़ते, सही है? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? नहीं सर. अभी आ रही है? अभी श्योर हो रहा है. सही है, अभी आ रही है. सही है. तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने क्या करना है. अगर आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी है, आपको करना होगा एमसीएससी कोर्स. तो एमसीएससी कोर्स होता है सिस्टम साइड के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सही है? तो इसमें बात है, अगर आपने ये कोर्स कर लिया ना, तो आपका सिस्टम साइड क्लियर हो जाएगा. बेसिकली मैंने आपको खुद भी बताया कि आई एम नॉट अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ कि हाँ मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ. मगर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछे कि इसमें मुझे मसला है, सोल्व करके दे, फिर मैं क्या कहूँगा? तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, जो हूँ वही बता रहा हूँ, सही ना. मेरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स मैंने किया हुआ MCSE, मगर उस तरह का मेरा शौक नहीं था, उस तरह मैं एक्सपर्ट उसमें नहीं हूँ. तो इसलिए मैं नहीं कहता कि हाँ मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, मगर इतना हूँ कि हाँ वो समझ सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है सारी. तो मैं उस हद तक कह रहा हूँ कि आपको उस हद तक आनी चाहिए. तो अगर आपने ये कोर्स करना है, तो मैं ऐसा करूँगा कि आपको एक सजेशन देना चलूँ. हमारे पास एक टीचर है मिस्टर काशिफ के नाम से, तो अगर आप उनके साथ इनरोल होना चाहते हैं इस कोर्स में ऑनलाइन, तो मैं आपको उनका कंटेक्ट वगैरह दे दूँगा, आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता करें. तो ही इज़ माई टीचर ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन सिस्टम साइट, मैंने उनसे ही सीखा है. ही इज़ टॉप 10 एक्सपर्ट्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान ऑफ वर्चुअलाइजेशन. तो वो खुद ही VMware में जो भी कर रहे हैं, VMware एडमिनिस्ट्रेटर है वो. तो अगर आपने ये सीखना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनसे सीखें. मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट दे दूंगा, आप इनबॉक्स में आ जाइए. मैं अभी आपको ये भी कह सकता था कि हाँ आप मेरे साथ आ जाइए, मुझे फी दे दीजिए और मैं आपको पढ़ाऊँगा, मगर सब लोग बैठे हुए हैं तो मैं क्यों झूठ बोलूँ? यानी फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ मुझे सही से नहीं आती, तो मैं किस तरह आप लोगों को डिलीवर करूँ? तो इससे अच्छा है कि मैं आपको अपना झूठ ना बोलूँ कि हाँ मुझसे सीखो, मुझे पैसे दो, सही ना. पैसों की बात नहीं है, बात है कि आप कुछ सीखे, सही है तुम्हार? तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सर जी, जी, मैं काशिफ को जानता हूँ. जी जी, तो आप तो जानते होंगे, तो फिर उनसे रब्ता करें ना. ठीक है, ठीक. तो ठीक है सर, आप मेरी बात समझे ना कि मैं क्यों नहीं चाहता कि मैं आपको सिखाऊँ MCSE. जी बिल्कुल. तो आपको नेटवर्किंग आती है? जी. तो शीशे ने क्यों हुआ कि नहीं? नहीं, एग्जाम तो नहीं दिए, लेकिन मतलब सीखा है. तो किस हद तक सीखा है? आई थिंक वो SPF तक सीखा है. सही है. तो सही, इसका मतलब है आपको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज है. जी. तो सही है, नेटवर्किंग भी आपका क्लियर है. तो इसका मतलब है कि आप चलेंगे VMware कोर्स में, आप अगर एनरोल होंगे तो आप चलेंगे, यानी आप ये कर सकते हैं, इसका मतलब इंशाल्लाह. सही है. हम मूव करते हैं मोहम्मद शानू की तरफ. मोहम्मद शानू, टर्न ऑन योर वीडियो कैमरा, टर्न ऑन एंड म्यूट योर माइक एंड आंसर आवर क्वेश्चन. मोहम्मद शानू, आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज है? जी हाँ सर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में मैंने काम किया है, और काफ़ी टाइम से क्या है कि रेगुलर काम नहीं किया है. कभी डेस्कटॉप सपोर्ट
कभी आईटी सपोर्ट पे, कभी नेटवर्क इंजीनियर पे। तो हाँ, आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम को पता है, फूट आउट करना मुझे मालूम है, क्या दिक्कत आएगी तो क्या करना है। मैं अपने लिए ना कम्प्लीटली नहीं कह सकता हूँ कि मैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। यानी आपका मतलब है कि आप भी मेरी तरह है? जी जी, ऑफ कोर्स। यानी बस जानते हैं मेरी तरह, यानी बहुत थोड़ा कुछ आता है मगर नेटवर्क इंजीनियर। तो एक क्या होता है, जब पोजीशन चेंज होती जाती है तो एक्सपर्टीज एक चीज में नहीं बन पाती। हाँ ना, अगर आप एक चीज पर फोकस करते हैं तभी आप उसके एक्सपर्ट बनते हैं, तो यही मसला तो है ना। क्योंकि मेरा ज्यादातर फोकस वर्चुअलाइजेशन की तरफ रहा और नेटवर्किंग की तरफ, तो इसलिए मैं जो है ना बस बिल्कुल यही साइड पर रह गया, यानी सिस्टम साइड पर मैंने टच ही बिल्कुल नहीं किया, तो इसलिए यही पे रहता है वीकनेसेस। जी हाँ, लेकिन अब मैंने माइंडसेट कर लिया कि मुझे एज ए नेटवर्क इंजीनियर बनना है। तो मुझे फिफीएनए में, मैंने अभी फिफीएनए मेरा चल भी रहा है और मैं राउटिंग तक पहुंच गया, राउटिंग तक पढ़ लिया है। तो इधर मैं सोच रहा था कि आपके साथ में ये, मैं एक टीचर हैं वो, उनसे पढ़ रहा हूँ दिन में, उनकी कुछ मेरी पास वीडियो थी पहले के नॉन थे, वो वीडियो के थ्रू मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, एक दो घंटे क्लासेस दिन में करता हूँ और उस पे खुद भी ट्राई करता हूँ, पैकेट ट्रेसर पे काम करता हूँ। तो कि ये लेसन की एक दो महीने में, एक डेढ़ महीने में कंप्लीट कर लूंगा मैं। जबरदस्त, तो इससे अंदाजा लग रहा है कि आप इस कोर्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। जी जी, So तो यही है कि मेरा स्किल, मुझे सर क्या है ना कि मेरा अब फोकस अभी तक तो यही था कि जो मिले पहले तक जॉब करते जाओ, सीखते जाओ। अब मुझे क्या है कि एक चीज में मुझे एक्सपर्टीज बनना है, जैसे नेटवर्क इंजीनियर बनना है, मुझे फिफीएनए कंप्लीट करना है, फिर फिफीएनपी कंप्लीट करना है, फिर फिफीआई पे जाना है और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाह तो। मतलब आई विल डू इट, अपनी तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश करूंगा, जो भी जहां से भी मुझे नॉलेज मिलेगी उसे हासिल करना चाहता हूं। सही, थैंक यू सो मच। मूव करते हैं मोहम्मद आसिफ की तरफ। टर्न ऑन योर वीडियो कॉल, टर्न ऑन योर माइक एंड हमें बताइए कि आपको सिस्टम साइड, नेटवर्किंग साइड के बारे में कुछ भी नहीं पता। जी सर, मुझे नहीं पता। चलिए मैं अभी आपको रोड मैप समझाता हूं। तो आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह आता है कि नहीं, बेसिक वगैरह? बेसिक मुझे आता है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वगैरह चलाना, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मोहम्मद आसिफ? जी सर। सही है, मैं भी आपको रोड मैप देता चलो। सही, ये देखिए आप कह रहे हैं कि यानी आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जैसे हुए, आपको यानी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, सही है ना? आपका मतलब यही है? जी सर। सही, जी जी। तो मेरा सजेशन आपके को यही है कि आपने पहले कोर्स करना है नेटवर्क एसेंशियल, फिर आपने कोर्स करना है सीसीएनए, फिर आपने कोर्स करना है एमसीएससी, फिर आप करेंगे वीस्फीयर। तो वीस्फीयर यही कोर्स है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज लेक्चर वन है इसका। तो अभी आपने डिसाइड करना है सबके सामने कि आप क्या डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन के लिए मैं आपके आपको उससे पहले एक रोड मैप दे रहा चलूँ कि आपने नेटवर्क एसेंशियल कैसे करना है। तो नेटवर्क एसेंशियल का मतलब यही है कि नेटवर्क के बारे में बेसिक्स। तो अगर आपने यही सीखना है कि नेटवर्क के बारे में बेसिक्स, तो मैं भी आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। अगर आपने नेटवर्क एसेंशियल कोर्स करना है, जिसका मतलब है नेटवर्क के बारे में बेसिक, यानी आपको कुछ भी नहीं पता, आपने ये जानना है, तो इस पर अगर आप फॉर एग्जांपल एक इंटेलिजेंट बन जाओ ना, तो आपको 10 days लगेंगे। अगर आप यानी बहुत ज़्यादा ही बेसिक वाले हो तो आपको 20 days लगेंगे। तो ये कोर्स जो है ना, ये बेसिकली बहुत ही आसान है, तो ये हाँ मैं डिलीवर कर सकता हूँ आपको। तो बेसिकली इसका फी वगैरह मैं आपके साथ फिर डिस्कस कर लूँगा इनबॉक्स में, यहाँ पर सूटेबल नहीं होगा। तो ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। ये हुआ आपका फर्स्ट रोड मैप। फिर आपका जो सेकंड रोड मैप है वो है हमारे पास कौन सा, वो है सीसीएनए। सही है जी सर। तो सेकंड रोड मैप आप देखिए सीसीएनए, ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। ये है नेटवर्किंग का, सिस्को दुनिया की जो टॉप कंपनी है नेटवर्किंग में, उसका नाम है सिस्को। तो ये उसका एक एग्जाम है बेसिक, तो ये उसका एक कोर्स है, ट्रेनिंग है। तो ये कोर्स मैंने अभी आपको दिखाया भी व्हाट्सएप पर कि मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। ये देखिए सीसीएनए एंड सीसीएनपी, इस ग्रुप में हम दोनों कोर्सेज पढ़ाते हैं, सीसीएनए भी और सीसीएनपी भी। तो इस कोर्स का मैंने आपको बताया कि एक हफ्ता हो चुका है कि ये स्टार्ट हुआ है, सही है ना? तो ये कोर्स अगर आपने करना है तो ये देखिए सीसीएनए अगर आपने करना है तो इस पर लगेंगे 3 महीने, अगर आपने सीसीएनपी करना है तो इस पर लगेंगे
यानी चार महीने सॉरी, मगर अगर आप इस तरह आपका 7 महीने नहीं चाहते कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आप चाहते कि कम टाइम लगे, तो उसके लिए मेरे पास एक अलग सा रास्ता है, अगर आप उस पर जाना चाहते हैं वो है CCNA प्लस CCNP, यानी अगर आपने दोनों साथ में सीखना है उस पर कम टाइम लगेगा, वो टाइम जो है ना वो है 6 मंथ्स, यानी आपका जो है ना 6 महीने में दोनों कवर हो जाएगा। अगर आपने अलग अलग करना है तो फिर 7 महीने लगेंगे। तो हमारा जो कोर्स आजकल चला है 1 हफ्ते पहले, तो उसमें आप दोनों सीख पाएंगे इकट्ठे, और वो भी 6 महीने में, और बिल्कुल स्टार्ट से है वो। तो ये हुआ आपका उसका रोड मैप। तो बेसिकली अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आप हमें बताइए कि आप फ्री में ज्वाइन होना चाहते हैं कि पेड में। तो एक बात है ना सर जी, वो मैं आपसे इनबॉक्स में डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये 6 मंथ वाला ही करूँगा ताकि मैं दोनों को इकट्ठे ज्वाइन कर सकूँ। आपका मतलब है आप ये वाला सेलेक्ट करते हैं और ये वाला सेलेक्ट नहीं करते? जी जी सही है। तो आपको ये ग्रुप ही आपका मतलब है आपने इस ग्रुप में शामिल होना है। Let me share the link with other participants so they can join. तो हमारे participants पहुंच गए हैं। तो मोहम्मद आसिफ आप अपना वीडियो कॉल ऑन कीजिए और आप स्क्रीन की तरफ देखें। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने ये दो कोर्सेज अगर हमारे साथ करने हैं तो मैंने आपको कहा कि इसका फ्री ग्रुप है जिसमें हम सिर्फ नोट्स सेंड करते हैं, और इसमें पेड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस चेक करते हैं वगैरह, यानी लाइव क्लास का एक्सेस आपको मिलेगा, रिकॉर्ड लेक्चर, तो वो पेड ग्रुप है। आपका मर्जी आप किस में ज्वाइन होना चाहते हैं वो हम इनबॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली उसमें 3 क्लासेस अभी तक हुए हैं, 1 हफ्ते पहले शर्ट हुए, मंडे ट्यूजडे वेनजडे को क्लासेस होती है शाम 9 से लेकर 11 बजे तक, और फिर 4 दिन छुट्टियाँ होती है। तो आज छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी और कल से फिर क्लासेस होंगे। तो कल से आपने 9 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट करना है हमारे साथ, और उससे पहले आपने 3 लेक्चर देखने होंगे, नोट्स वगैरह बनाने होंगे और असाइनमेंट कम्प्लीट करने होंगे, सही है ना? तो आपने मेहनत करनी होगी क्योंकि आपसे 3 क्लासेस जा चुकी है, उस पर आपने समझना है, आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और कल चौथा क्लास होगा 9 बजे शाम रात को, तो आपने फिर रोज ज्वाइन करना है। ये हुआ रहा आपका रोड मैप MCSE। तो वो खैर हम आपके साथ थोड़ा गुजार करके आपको वो सिखाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज उसके लिए चाहिए होता है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स ये वाला, तो फिर आप ये वाला ट्रेनिंग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपने फैसला करना है कि आप विश्वर में अब से इनरोल होना चाहते हैं कि नहीं, आप ये रोड मैप को फॉलो करके आप वो सारे कोर्सेस कंप्लीट करके फिर विश्वर की तरफ आएंगे। मतलब पहले 6 मंथ में उसको कंप्लीट करूंगा फिर इस कोर्स की तरफ आऊंगा। तो आपने डिसाइड करना है और अपने फ्रेंड से मशवरा लेना है, आप सारे फ्रेंड से खैर मशवरा ले सकते हैं कि आपने क्या करना है। आपने डायरेक्टली अभी से विश्वर और CCNA CCNP साथ में करना है कि नहीं CCNA CCNP पहले करके फिर विश्वर दोबारा करना है। तो आप फिर एक एक से मशवरा ले। मोहम्मद शानू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो कैमरा एंड उसे मशवरा दे के वो क्या करे, वो विश्वर बाद में करे कि नहीं इसके साथ साथ करे। ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको बेसिक अगर पता रहेगी फिर तभी ये किसी हाई लर्निंग पर जा सकते हैं। अगर बेसिक इनकी नहीं मजबूत रहेगा तो ये हाई लर्निंग नहीं कर सकते हैं इनको। अदरवाइज पहले तो बेसिक सीखना है जो इसकी प्री रिक्वेजेशन है उसको फॉलो करें, देन ये मूव ऑन हो अपने BA में। तो मोहम्मद आसिफ आपने मोहम्मद शानू से सुन लिया, ये मैं भी कह रहा हूँ कि आपको रोड मैप जो है ना वो वही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो Z प्लीज रीनेम योर नेम एंड unmute your mic, turn on your video call, और आप मोहम्मद आसिफ को मशवरा दीजिए। Z, please rename your name. Mr. Farhan Khan, आप मोहम्मद आसिफ को क्या मशवरा देंगे कि इन दो ऑप्शन में वो कौन सा चूज करे? Turn on your video call. Mr. Farhan Khan, Mr. Farhan Khan, are you listening? Okay, let's move to Reginald. Reginald, turn on your video call, unmute your mic, and tell us, give suggestion to Mohammad Asif that what should he choose? He should learn CCNA first and then enroll in VSphere course, or should he do multiple things at the same time? What would you suggest?
Hello, sir. I think it would be better for him to enroll for CCNA first and learn the networking part, the protocols, and some of the most common terminologies in networking. And most probably, you know, focus on CCNA first. If it's N plus, focus on N plus, then CCNA, then come to VMware class. Mohammed Asif, Reginald, also, you have to give me a question. आप पहले सी सी एन ए सी सी एम पी करें, उसके बाद आप आए और वीस्फीयर की तरफ आ जाए. तो क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो अगर आपको वो नहीं आती तो ये फिर आपको समझ नहीं आएगी. फरहान खान, आप भी मशवरा दें कि मोहम्मद आसिफ को क्या करना चाहिए. सर, मैं तो ये मशवरा दूंगा, अगर इनका इंटरेस्ट है कि ये वीस्फीयर की तरफ आना चाह रहे हैं, तो ये वीस्फीयर को भी स्टार्ट करके और साथ में सी सी एन ए और सी सी एन पी की भी कोर्स में इनरोल हो जाए, ताकि जो टाइम इनको स्पेयर होगा उसमें ये दूसरी चीज़ें कवर करते जाएंगे और साथ में वीस्पेयर इनका चलता जाएगा. क्योंकि स्टार्टिंग में हम वीस्पेयर पे इतना एडवांस नहीं जाएंगे, जिसके लिहाज से ये अपना सी सी एन वे सी सी एन पी और सी सी एन ए का पाथ जो है वो थोड़ा फास्ट लेके चलें, ताकि ये कवर अप करें. सही है, तो मैं समझ गया. तो मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि आप वीस्पेयर भी करें और सी सी एन ए सी सी एन पी आप दोनों साथ में करें, तो आपके लिए अच्छा होगा. तो अभी आपने सबके मशवरे सुन लिए, चलते हैं लास्ट पार्टिसिपेंट की तरफ. तो मिस्टर मुईस खान, आप अपना वीडियो कॉल ऑन कीजिए, अनम्यूट योर माइक, और आप मोहम्मद आसिफ को मशवरा दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए. मुईस खान, इट्स ओवर टू यू. मिस्टर मुईस खान, मिस्टर मुईस खान, रिस्पोंड प्लीज. तो मिस्टर मुईस खान रिस्पोंड नहीं कर रहे हैं. सो मोहम्मद आसिफ, अब आप खुद फैसला कीजिए कि आपने क्या करना है. सर, एक मिनट, आप मेरी बात सुनेंगे? जी जी. मेरी जो अप्रोच है ना, मतलब मैं जो चीज़ें लर्न करता हूँ वो बहुत एग्रेसिवली करता हूँ, मतलब मैं पिकअप कर लेता हूँ चीज़ों को. ठीक है, अगर मैं मतलब क्लासेस हमारी डिफरेंट टाइम में होंगी ना, ये जो दोनों हैं वीएमवेयर की और जो दूसरी सीसीएनए और दूसरी है, वो डिफरेंट टाइम में होती है ना. टाइमिंग तो अभी डिसाइड करेंगे ना, वो तो अकेले अगर मैं डिसाइड करूंगा तो फिर ये ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत से ट्रेनिंग जो है ना, आपको पता होगा आप सबको, कि वो टाइम दे रहे थे कोर्स स्टार्ट होने से पहले कि हाँ हाँ इस टाइम क्लास होंगी, वीकेंड पर होगी, इस तरह. तो मैं उस तरह का नहीं हूँ प्रोफेशनल सा, मैं आपको बस आपके साथ मजाक बनाऊंगा कि नहीं दो दिन क्लास होगी तो बस होगी, और फॉर एग्जाम्पल आप बिजी हो तो फिर क्या होगा. तो हम जो है ना टाइमिंग डिसाइड करेंगे इस सेशन में, वो भी इकट्ठे मिलकर, तो टाइमिंग जो है ना वो हम डिसाइड कर लेंगे. तो अब आप फैसला करें कि आपने करना क्या है. मैं चाहता हूँ मैं दोनों को साथ लेके चलूँ, बट टाइम थोड़ा काफी वेस्ट हो गया, तो मैं टाइम दूंगा, चीजों को मैनेज करूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा. बाकी आप भी साथ हैं, बाकी फेलोज भी साथ हैं, जहाँ मसला होगा फिर पूछते है कि वो क्या कहते हैं. मिस्टर रेजिनाल्ड, सो are you good at system and network administration or do you need any guideline? So let me share the screen. Aap sabko screen nazar aa rahi hai? Aap sabko screen nazar aa rahi hai? Ji haan sir, aa rahi hai. सही है. यस सर. तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4. उसमें हम आज लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा है, आपको पता है लेक्चर 3 में हमने बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दिस कोर्स, के जिसको आता है उसका क्या होगा, जिसको नहीं आता तो उसका क्या होगा. तो सारों का हमने बहुत डीप एंड डाइव में बहुत ज्यादा डिस्कस किया कि क्या क्या रोड मैप होगा,
जिस बंदे को prerequisites आते हैं इस कोर्स के और जिसको नहीं आते, तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो अब भी वो पूछ सकता है, सही? सर मैं जानना चाहता हूँ क्लास टाइमिंग क्या रहेगी और कितने घंटे की रहेगी। मैंने कहा ना कि अगर मैं वो खुद बताऊँ, यानी आप देख सकते हैं बहुत से ट्रेनर खुद बताते, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी कही भी है कि बहुत से ट्रेनर खुद बताते हैं कि इस दिन इस टाइम क्लास होगा, मगर मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मैं अपनी वो से ट्रेन आप पर जमाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो आपकी मर्जी उसमें शामिल हो, अगर आपकी मर्जी ना हो तो फिर आपकी अटेंडेंस कम होगी, तो इसलिए हम जो है ना मिलकर फैसला करेंगे, सही? यह सर ज्यादा लेट नाइट हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग को सुबह ऑफिस करना रहता है ना सर, इसलिए थोड़ा सा बस क्लासेस जल्दी हो जाए तो आज हम ऐसा करते कि कोर्स कंटेंट का पढ़ते और फिर हम थोड़ा और पढ़ते और फिर हम सेशन कोइन करते, तो कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते सर। तो हमारा जो कोर्स कंटेंट होगा ना वो होगा वीएमवेयर कंपनी का ऑफिशियल कोर्स कंटेंट। बहुत से पाकिस्तानी ट्रेनर्स हैं तो वो जो भी कोर्स कंटेंट फॉलो करते हैं बीएसक्यूएल ट्रेनिंग के बारे में, तो वो अपना बताते हैं और उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं, मगर जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा वो होगा ऑफिशियल, यानी जो बिल्कुल प्योर कोर्स कंटेंट होगा ना इस कोर्स का, जिस कंपनी ने बनाया है वीएमवेयर, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सही है ना? मैं आपको खुद से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं खुद से पढ़ाऊंगा तो बहुत से टॉपिक्स होंगे कि वो मिस हो जाएंगे, फिर आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, तो मैं आपको ऑफिशियल चीज़ें टच करके दूंगा ना, तो आप ये बात याद रखें, जब आप ऑफिशियल चीज़ें टच करेंगे ना ऑफिशियल चीज़ें, तो फिर क्या होगा उसमें, जब आप इंटरव्यू से में जाएंगे आपसे कोई पूछेगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि आपने एक कंपनी की ऑफिशियल चीज़ें पढ़ी है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे ऑफिशियल कोर्स कंटेंट। तो चलिए आपको कोर्स कंटेंट दिखा रहे थे, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी आ रही। मिस्टर रेजिनाल्ड, दिस इज अवर ऑफिशियल कोर्स कंटेंट, यू कैन नाउ लुक एट दिस, सो डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन वेबसाइट। ये आ गया है कोर्स कंटेंट, सही? ये देखिए कोर्स आउटलाइन यानी कोर्स कंटेंट, ये देखिए फर्स्ट मॉड्यूल का नाम है कोर्स इंट्रोडक्शन, जिसमें ये टॉपिक्स हैं। सेकंड मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन टू वीस्फेयर एंड अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर एसडीडीसी, इसमें ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मॉड्यूल टू है, ये क्या है, ये मॉड्यूल नंबर टू। फिर मॉड्यूल थ्री क्या है, मॉड्यूल थ्री है वर्चुअल मशीन्स के नाम से, तो इसमें जो कोर्स कंटेंट है मॉड्यूल थ्री में ये कोर्स कंटेंट है। फिर हमारा जो फोर नंबर मॉड्यूल है उसका नाम है वी सेंटर सर्वर, उसमें जो हमारे पास कोर्स कंटेंट से कोर्स आउटलाइन है वो ये है। फिर हमारा मॉड्यूल फाइव जो है उसका नाम है कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग वर्चुअल नेटवर्क्स, इसका जो कोर्स कंटेंट है वो ये है। फिर हमारा जो सिक्स नंबर है मॉड्यूल उसका नाम है कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग वर्चुअल स्टोरेज, उसका जो कोर्स कंटेंट है वो ये है। और आप लोगों से एक बात बताते चलूं कि यहाँ पर अक्सर बिजली का मसला होता है, सो इफ द लाइट विल गो so I cannot inform you that the light has gone, so इसका मतलब ये होगा कि हमारा सेशन जो है वो ख़त्म हो गया, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे, सही ना, अगर बिजली चली गई, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में बिजली का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो मॉड्यूल सेवन का मतलब है वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, तो इसमें जो टॉपिक्स है वो ये है। फिर हमारा मॉड्यूल एट का नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, इसमें ये टॉपिक्स हमारे पास मौजूद है। फिर हमारा जो मॉड्यूल नाइन है उसका नाम है वीस्फेयर क्लस्टर्स, इसमें हमारे पास ये टॉपिक्स मौजूद है। फिर हमारे पास टेन नंबर जो मॉड्यूल है उसका नाम है वीस्फेयर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसमें हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था ऑफिशियल कोर्स कंटेंट, हम इसको फॉलो करेंगे। तो हमने आपको ऑफिशियल कोर्स कंटेंट दिखाया, अगर आपको कोई इतराज़ हो यानी कोई क्वेश्चन हो कोर्स कंटेंट में, तो आप लोगों की तरफ मुँह करते हैं और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं अगर आपके कोर्स कंटेंट में कोई मसला हो। मैं चाहूं इसमें यू हैव अ प्रॉब्लम इन कोर्स कंटेंट, फरहान खान आपको भी मसला नहीं है,
मोहम्मद आसिफ आपको भी समझ जाएगा ये. And Mr. Reginald, it's mean you understand on course content, that which course content we should follow in this course. It's mean you all have no problem. Sir, इसमें हम cloud services को कितना देखेंगे इस course के अंदर? Basically जो हमारा ये course है ना, इसमें जो modules है ना, मैं आपको खैर दिखा रहता हूँ दोबारा. क्लाउड से रिलेटेड मैं आपको खैर दिखा रहता हूँ. यह अच्छा क्वेश्चन था. ये देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने ये कोर्स 6 महीने का कंप्लीट कर लिया तो आप ये चीजें हासिल कर पाएंगे. बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू शुड बी एबल टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. आपको ये चीजें आती होंगी. पर अब आपको नहीं आती तो फिर आपको आती होगी. डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर के SDDC का क्या मतलब है. ओके ओके नो प्रॉब्लम मिस्टर रेजिनाल्ड. आपको ये भी आता होगा कि एक्सप्लेन एंड द विस्फीयर कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर के. विस्फीयर कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या है IT इंफ्रास्ट्रक्चर में. डिस्क्राइब द बेनिफिट्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ VMware Skyline. ये भी हम पढ़ेंगे इसमें से ना VMware Skyline. इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ESXi होस्ट, ये भी हम आपको सिखाएंगे. डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर VMware vCenter सर्वर अप्लायंस, ये भी होगा इस कोर्स में. यूज VMware vSphere क्लाइंट टू मैनेज vCenter सर्वर इन्वेंटरी एंड द vCenter सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको आता होगा. फिर मैनेज मॉनिटर बैकअप एंड प्रोटेक्ट vCenter सर्वर अप्लायंस, ये भी आपको आता होगा. फिर क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क्स विद vSphere स्टैंडर्ड स्विचेस, ये भी आपको आता होगा. तो ये सारी चीज़ें यदि कि आपको नजर आ रही होगी, ये आपको आता होगा. अगर आप एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद इस एक सर्टिफिकेशन है VMware की VCP के नाम से, तो वो भी आप कर सकते हैं. ये सर्टिफिकेशन ये उसका बेज है. अगर आपको एक कोर्स आता है तो आप ये सर्टिफिकेशन भी अगर कर ले तो आपके पास प्लस पॉइंट होगा. सही ना. तो ये तकरीबन $400 का खर्चा इस पर आता है. ये अलग है, हमारा काम है ट्रेनिंग से, सर्टिफिकेशन अलग चीज है. तो आपको पता है जब आप ये कोर्स करेंगे ना यूटिलाइजेशन का, तो आप एक प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं. और अभी एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि हम क्लाउड की तरफ, यानी इसमें क्लाउड में क्या फ़ायदा होगा, तो मैं भी वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक कोर्स सीख सकेंगे तो आप अपना एक ज़ाती क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं. तो यही तो फ़ायदा है क्लाउड का आपका, कि आप पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि क्लाउड में कैसी चीज़ें बिल्ड हुई है. स्टोरेज अप्लायंसेस, सर्वर अप्लायंसेस, नेटवर्क अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें कैसे बनी हुई है. सही ना. आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कॉन्फ़िगरेशन करना, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल A to Z आ जाएगा. क्योंकि आप अपना प्राइवेट क्लाउड बना सकेंगे. तो आपको पब्लिक क्लाउड सीखने में AWS Azure की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा ये एक रोडमैप सा है उस तरफ जाने का. अगर आपको यह चाहिए तो आपको फिर AWS वगैरह आसानी होगी. तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा. सही. सर ये मोस्टली VMware यूज कहाँ पे होता है, कौन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कि छोटी, कि बड़े बड़े जैसे फेसबुक, गूगल और या माइक्रोसॉफ्ट, इन जगहों पे यूज होता है VMware? बेसिकली ये बात याद रखें, जो गूगल है ना गूगल, तो वो तो बिल्कुल भी VMware यूज नहीं करता. बात आती है आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट तो VMware का नाम ही नहीं लेता. वो तो अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है Hyper-V एंड Hyper-V मैनेजर, जो उनका वर्चुअलाइजेशन का प्रोडक्ट है. तो VMware जो है ना, VMware वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रिच इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसके जो लाइसेंसेस हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मगर ये क्वालिटेटिव भी बहुत ज़्यादा है, इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रिच ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं. सही ना. तो ये बहुत हाई लेवल पर यूज़ होता है, मगर इन्होंने इसका डिज़ाइन इस तरह बनाए हुए कि अगर आप एक लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप वहाँ पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं. इन्होंने इस तरह रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है कि वहाँ पर भी ये काम करेगा. मगर फिर मैं आपको दोबारा कहता चलूँ कि इसके लाइसेंसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं. अगर आप लाइसेंस जो है ना इस लाइसेंस लेते हैं जिसकी कॉस्ट कम हो, तो फिर आपको क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, आपको फीचर्स भी कम मिलेंगे. तो इसलिए जो है ना ये बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है VMware. तो ये VMware जो है ना ये मशहूर भी वर्चुअलाइजेशन के लिए सारी दुनिया में. इसके सही सिक्योरिटी के कारण ब्लैक प्रोडक्ट भी है और भी बहुत अच्छी चीज़ है. SD-WAN में इसका भी जो क्लाउड भी है, मगर ये मशहूर है वर्चुअलाइजेशन में, क्योंकि ये तकरीबन 1998 से इन्होंने वर्चुअलाइजेशन पे काम स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने.
2007 में काम स्टार्ट किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट तो उस तक नहीं पहुंच सकता, मगर माइक्रोसॉफ्ट तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि अपना पोर्टल छोड़कर किसी और का इस्तेमाल कर ले, तो वो इसलिए जो है ना अपना पोर्टल इस्तेमाल करता है। तो मोहित शानू, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। जी जी सर, समझ गया हूँ। और किसी का क्वेश्चन है? ओके, तो अब हम पढ़ते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है, ऑप्शनल हार्डवेयर की, जैसे मैंने हार्डवेयर ले लिया, मशीन कोई ले लिया, उस पे एक हाइपर वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद वीएमवेयर, उसके ऊपर वीएमवेयर इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर। अब देखिए ओएस पहले इंस्टॉल हो, पर देखिए ओएस इंस्टॉल होने के बाद वीएमवेयर इंस्टॉल हो। मैं आपको एक एग्जांपल के सारे समझाता हूं, आपको इस बात की क्लियरेंस हो जाएगी, आप अब कंफ्यूज है ना, आप क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए जरा, ये देखिए, अगर ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें और वर्चुअलाइजेशन को देखें और क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो इनका कंपैरिजन इससे बनेगा कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा और वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा। ये बात याद रखिए, जब मैं नोट्स बना चलूँ कोई बात को, तो आपने रजिस्टर पर लेना है, उसमें आपने एक एक चीज़ नोट करनी है, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू वगैरह में रिवीजन के लिए काम आएगी, सही। तो ट्रेडिशनल जो है ना, ट्रेडिशनल उसमें क्या होगा, उसमें आपने अगर फॉर एग्जांपल यूनिट, यहाँ पर एक फोन जो है ना, ये कम कर देता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यूनिट फोर मशीन्स, अगर आपको ट्रेडिशनल में क्या है, आपको चाहिए चार मशीन, कितनी, चार मशीन, तो फिर क्या होगा, इफ़ यू नीड फोर मशीन्स, और आपको यहाँ पर भी क्या है, यही रिक्वायरमेंट है, यू नीड फोर मशीन्स, फॉर एग्जांपल, सही ना, ये एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, और आपको यहाँ पर भी यही रिक्वायरमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग में कि यू नीड फोर मशीन्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रेडिशनल में आपने मार्केट से चार मशीन बाय करने होंगे, यू शुड बाय, you should buy four machines in traditional IT infrastructure. अगर बात आए virtualization की, तो you should buy your on one machine with high resources and you would be responsible for your machine and then you will virtualize your machine. तो virtualize करके आपने क्या करना है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, आपने virtualization कैसे करनी है। देखिए, आपने एक हार्डवेयर लेना है, प्रोवाइज इंस्टॉल करना है, ये टाइप वन है, ये हार्डवेयर पर डायरेक्टली हुआ है, फिर आपने जितने VM चाहिए, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर scenario क्या है, चार VM मुझे चाहिए, चार मशीन, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर चार VM बनाने हैं, चारों पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और चारों पर ऐप इंस्टॉल करना है। तो ये क्या हुआ, मुझे चार मशीनों की ज़रूरत थी तो वो पूरी हो गई, इतना वर्चुअलाइजेशन में। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल AWS या Azure, तो यू शुड बाय और टेक अ मशीन फ्रॉम क्लाउड सर्विस provider like AWS or Azure etc.
You should buy or take a machine from cloud service provider like AWS or Azure etc. on rent. या आपने buy करना है या आपने यानी rent यानी जो भी service हो आपने pay करना होगा और आपने एक machine वहाँ पर यानी जो है ना आपने लिए reserve करनी होगी. मगर मसला क्या होगा? Machine would be not with you. It would be existed in data centers. वो पड़े होंगे data center में, सही है ना? And cloud service provider would be responsible for your machine. तो इसमें क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका मशीन होगा, आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS से Azure से बाय करने होंगे या रेंट, जो भी तरीका हो, पे एस यू गो मॉडल है आजकल बहुत मशहूर है, उसके जरिए आपने उससे एक सर्वर लेना है. उस पर आपने चार VM इस तरह करने हैं, जैसे ये देखिए चार VM उसमें आपने डिप्लॉय करने हैं अपने लिए, तो आपको चार मशीन की जरूरत पूरी हो जाएगी. मगर उसको आप टच नहीं कर सकते, वो फिजिकली नहीं होगा, वो लॉजिकली आपको अवेलेबल होगा. उसका जो मशीन है ना आपका, आपने जिसके पैसे दिए होंगे वो आप यहाँ पर तो आपके पास अवेलेबल होगा वर्चुअलाइजेशन में. ये होगा प्राइवेट क्लाउड, ये है पब्लिक क्लाउड. इसमें क्या होगा? इसमें मशीन कहीं और पड़ा होगा, कहीं डेटा सेंटर में पड़ा होगा, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है ना AWS या Azure वो जिम्मेवार होगा आपका मशीन का ख्याल रखने का. मगर प्राइवेट क्लाउड जो है ना वर्चुअलाइजेशन, उससे हम एक प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं. उसमें क्या होगा? उसमें आप प्राइवेट, आपका एक मशीन होगा, आप रिस्पॉन्सिबल है उसकी सिक्योर करने का, उसकी सारी चीज़ें का आपको इंतजाम करने वहाँ पर. मगर ट्रेडिशनल में क्या है, जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको चार सर्वर बाय करने होंगे और चारों का ख्याल रखना पड़ेगा. तो ये था उसका डिफरेंस. तो आपको अब समझ आई कि नहीं, ये बताइए. मैंने आपको डीप में आंसर दिया है, बहुत ही डीप में. जी जी सर, समझ में आया. अब तो कोई क्वेश्चन है कि नहीं, आप पूछ सकते हैं. हमारे लिए बेहतर ज्यादा ये नहीं होगा ऑन प्रीमिसेस जो हम सर हार्डवेयर अपने पास रख रहे हैं उसके फिर हमें मिस्टर फरहान खान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आपकी आवाज में बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्शन है. सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम ऑन प्रेम और क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो क्लाउड में तो हम पे एज यू गो की बात करते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूज करें और उतना पे करके मशीन अपनी डाउन कर दें. बट ऑन प्रेम के लिए हमें हार्डवेयर भी अभी हमें परचेज करना होगा, मतलब ये हमारी कॉस्ट ये आएगी. उसके अलावा फिर जो सर्वर मशीन है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी आती है, मींस के उसके लिए आपको उसकी कूलिंग भी रखनी पड़ेगी, उसके नेटवर्क हमारा एनालिसिस को मेंटेन कर रहे हैं अपने, जैसे ब्रांचेस को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें इंटरनेट की स्टेबिलिटी की भी हम बात कर रहे होते हैं, और फिर उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरह से भी हम डिस्कस कर रहे थे. तो बेहतर आपकी नज़र में क्या होगा? तो ऑन प्रेम चीज ज्यादा रिलायबल होती है या ऑन द क्लाउड अपनी सर्विसेज को क्लाउड? तो ये बात याद रखिए कि ट्रेडिशनल जो है ना बेसिकली वो था फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरा स्टेप आया वर्चुअलाइजेशन, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग. तो हमारा कोर्स है वर्चुअलाइजेशन का. क्यों? क्योंकि आपको नेटवर्किंग सिस्टम साइड आता है, आपको ट्रेडिशनल आता है, तभी आप इसकी तरफ मूव हो सकते हैं. इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको यह आना चाहिए. तो आप यहाँ पर जिसको यह आता है तो वो आसानी होगी इसको समझने में, फिर इसको जिसको ये आएगा फिर उसको ये कोर्स करने में आसानी होगी AWS Azure. तो इसका मतलब ये है कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है, उससे पहले यही आई थी और उससे पहले ये. तो बात यही है कि आजकल दुनिया इसकी तरफ मूव हो रही है क्योंकि ये लेटेस्ट है. जाहिर है एक लेटेस्ट चीज़ जो है ना वो अपडेट करके आती है, उसमें क्या होता है, उसमें खामियाँ जो है ना वो दूर करके एक नई खूबी लाई जाती है. तो जाहिर है इसमें जो खूबियाँ होंगी वो इसमें नहीं होंगी, इसमें जो खामियाँ थी ना वो इसमें रिमूव कर दी गई है, ज़रा इसमें जो खामियाँ है वो इसमें नहीं होंगी,
इसमें जो खूबी नहीं थी तो वो इसमें ये, तो इसलिए दुनिया क्लाउड की तरफ मूव हो रही है। क्लाउड में क्या होता है, आपकी बात जैसे कि आपको एक सर्वर चाहिए, आप तो टैंक के लिए उसके पैसे दीजिए फिर बंद कीजिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने एक सर्वर लेना है और पक्का आपका होगा, मगर आपको उसके पैसे मुकम्मल देने होंगे अगर आपको ज़रूरत हो या ना हो, मगर इसमें जब आपको ज़रूरत हो तब आपने पैसे देने होंगे। तो जाहिर है इट इज़ मोर बेटर सोल्यूशन देन वर्चुअलाइजेशन एज वेल एज ट्रेडिशनल आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ट्रेडिशनल क्लाउड से अच्छा हो। अब आपको जवाब मिल गया कि नहीं? जी सर मिल गया। सही है, तो हम आगे मूव करते हैं अगर आप लोगों की इजाजत हो। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो लोग तो लेटेस्ट की तरफ जाते हैं ना, वर्चुअलाइजेशन की तरफ क्यों लोग जाएंगे? ये बात याद रखें, ये ट्रेडिशनल जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बुरी है, तो ये आजकल यूज नहीं हो रही है। जैसे अब इससे पहले जो फरहान ने क्वेश्चन किया तो इसका मतलब ये था कि ट्रेडिशनल में भी तो कुछ फायदे होंगे ना, वो भी तो यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से बेहतर है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो चीज़ यूज़ होगी 100% और ये 100% यूज़ नहीं होगी। ऐसे भी हो सकता है कि इसमें जो फ़ायदे हैं वो इसमें ना हो, सही है ना? तो ये जो है ट्रेडिशनल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रही है, वर्चुअलाइजेशन तो इससे भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, मगर क्लाउड पर इससे ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये आप इग्नोर कर दे कि ये दुनिया में यूज़ नहीं हो रहा, ये फजूल है, ये बात बिल्कुल गलत है। और ये बात याद रखें, अगर आपने क्लाउड की तरफ भी मूव करना है ना, तो अगर आप डायरेक्टली मूव करेंगे तो ये बहुत नाइंसाफी होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर नहीं पढ़ा है और आप बीएस की तरफ दाखिला दे रहे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा, तो आपने जो है ना स्टेप बाई स्टेप जाना है, पहले आपने सिस्टम नेटवर्किंग सीखनी है, फिर आपने विशफेयर सीखना है, फिर AWS या Azure, आपने डायरेक्टली जंप नहीं करना। अब आपको समझ आ गया? जी 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 बिल्कुल। ओके गुड, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 में हम अब डिस्कस करेंगे टाइमिंग, सही है? तो टाइमिंग डिस्कस करते हैं, तो लेट्स डिसाइड। तो फर्स्ट मैं आपको अपना सजेशन देता चलूँ, फिर आपसे सजेशन लूंगा, तो आप लोगों की इजाजत है मैं अपना आइडिया शेयर करूँ कि नहीं? जी फिर सही है, तो लेट मी शेयर। तो बेसिकली मंडे को, ट्यूजडे को, वेनसडे को, इन तीन दिनों को मेरा CCNA प्लस CCNP पेड कोर्स आजकल चल रहा है, सही है? तो एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है, 6 महीने का कोर्स है, तो अगर आप उसमें दाखिला लेना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। तो बात यह है कि उसमें क्या है, उसका जो टाइमिंग है वो है 9 PM से लेकर 11 PM तक। तो ये है मेरी मसरूफियात। फिर दूसरी जो मसरूफियात है वो है मेरा BS कंप्यूटर साइंस 7th semester, तो इसका जो टाइमिंग है ना मेरा, तो वो बेसिकली जो ये है ना, ये है मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे की छुट्टी होती है। तो इसका मैं आपको बताऊँ कि ये किस टाइम होता है, ये होता है 7 AM to 2 PM। तो ये बात हुई, तो अब आप लोग इस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करें कि किस टाइम मैं आपके लिए निकालूँ और कौन कौन से दिन और किस किस टाइम हम क्लास लेंगे। तो आप सबसे मैं सजेशन लेता चलूँ, तो बढ़ते हैं मोहित शानू की तरफ। सर बेसिकली ये होगा कि अगर आप दिन में पढ़ाएं, अगर 2:30 से कर लें या 3 से 5, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 मिनट, 3 to 5, 1 मिनट, 1 मिनट। तो आप कह रहे हैं कि पहले डेज बताइए, हफ्ते के डेज बताइए, कौन कौन से डेज? डेज आप सर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वन या मंडे, मंडे मंडे लीजिए, और मंडे के बाद एक दिन बैकेंड कर दीजिए, जो पढ़े उसको रिवीजन कर लें अच्छे से, फिर ट्यूसडे कर लीजिए, एक दिन वो कर लीजिए, बैकेंड कर लीजिए, फिर एक दिन पढ़ाइए, फिर एक दिन बैकेंड कर लीजिए, आपको भी रिलीफ रहेगा थोड़ा सा, कहीं अगर इधर उधर जाना हो या कुछ काम हुआ आप कर लेंगे, हम लोग को भी थोड़ा रिलीफ रहेगा, आपका मतलब आज का काम कल कर डाल सकते हैं। टाइमिंग बताइए जरा। टाइमिंग सर 3 to 5 कर लीजिए सर, और 7 to, या तो फिर 7 to 9 कर लीजिए, और 7 to 9। यस सर, असल में आप लोगों का मशवरा जो है ना वो लेना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा बहुत से ट्रेनिंग बिल्कुल भी किसी से मशवरा नहीं लेते, टाइमिंग दे देते आप वहाँ नहीं आना, बस आपकी मर्जी, तो कोई भी आपसे टाइमिंग नहीं पूछता, मगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको फिर मसला ना हो,
आपसे काम भी लूंगा, मैं बहुत ज्यादा खुद भी आपको पढ़ाऊंगा, टाइम दूंगा, तो इसका मतलब ये हर दिन नहीं होगा कि आप सीरियस नहीं। इसलिए मैं आपसे मशवरा इसलिए ले रहा हूँ कि फिर आपका बहाना ना चले कि ये था ये, तो प्लीज आप जो है ना नहीं सर, अगर आप जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं अगर उसका आउटपुट कुछ ना निकले तो बेकार है सर। आपका पढ़ाना 100% आप वो आउटपुट आना चाहिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं हम पे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं तो खुद भी टाइमिंग दे सकता हूँ, सही ना, मुझे तो कोई मसला नहीं मेरी। जी 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 आप खुद से दे सकते हैं, और वो उसमें ऐसा होता ही है, कभी कोई लेता नहीं है कि स्टूडेंट की आप टाइमिंग बताइए, ज्यादातर अपने टाइमिंग पर भी लोग देते हैं। नहीं नहीं कोई भी नहीं लेता, मगर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फिर आपका बहाना ना चले के ये मसला था, क्योंकि मुझे बहाने बहुत ज्यादा जो ना इन चीजों से चिढ़े, मुझे सिर्फ काम पसंद है। ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स आप अगर मेहनत करेंगे डेफिनेटली हम 100 से 200% देने की कोशिश करेंगे। सही है, तो अब बढ़ते हैं फरहान खान की तरफ। फरहान खान ओवर टू यू। जी सर, तो आप मशवरा दीजिए कि कौन कौन से डेज हम काम करेंगे हफ्ते में, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि दो तीन महीने में टाइम नहीं डिसाइड अभी, क्योंकि सबका एक आ जाए पार्टिसिपेंट जितने भी हैं जो कि अपने टाइमिंग शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा रिलायबल जो है वो वीकेंड रहता है, सैटरडे संडे ना। नहीं बेसिकली कम डेज तो फिर आपको नहीं देना होगा, क्योंकि आपकी जो डिमांड है ना कि दो तीन महीने में, तो उसके लिए तो ऐसा है कि पूरा हफ्ता यानी काम करेंगे पड़ेगा, यानी सिर्फ दो छुट्टियां अगर हो तो फिर सही है, यानी आपका तो फिर मतलब यही निकलता है अगर आपके स्पीड से जाना पड़ेगा तो। आपको तो है ना सैटरडे संडे छुट्टी हो और मंडे टू फ्राइडे फिर काम करने पड़ेगा, तो आपको ये कहना चाहिए फिर। बस आप मजीद और लोगों से राय ले लें, फिर देखते हैं टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे कोई इशू। सही है, आप आखिर में बताइए। तो मोहम्मद आसिफ आप बताइए। हाँ ये मोहित भाई ने ठीक कहा है कि एक दिन क्लास हो एक दिन हमें छुट्टी हो ताकि हम उसको रिवीजन कर सके काम कर सके। बाकी टाइमिंग मैं कहता हूँ 5 से 7 कर लें, ताकि इसमें जो जॉब वाले बंदे हैं ठीक है वो इस टाइम वापस आ जाते हैं, वो रिलैक्स हो। तो आप क्या कह रहे हैं कि टाइमिंग क्या होना चाहिए? 5 से 7 बाकी डेज ये ठीक है। सही है, तो चलते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड रेजिनाल्ड। रेजिनाल्ड अनम्यूट योर माइक। रेजिनाल्ड यस सर, टेल अस दैट व्हाट शुड बी द वीक डेज इन व्हिच वी शुड वर्क एंड व्हाट शुड बी द टाइमिंग। लाइक द टू पार्टिसिपेंट्स हैव गिव अ सजेशन दैट इन वन वीक यू शुड टीच अस ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे Saturday, because we should take a break and we should also practice on that. And they gave us the timing like 3 to 5 p.m. Like Pakistani time, 7 to 9 p.m. Pakistani time, 5 to 7 PKST Pakistani time. So what is your suggestion? Can you tell us? I think my suggestion would be to agree also with what they've said, sir. So you agree? Yes, I do agree, sir. सही है, तो थैंक यू सो मच। सो अब बढ़ते हैं लास्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, फरहान खान। जी सर। जी तो आप बताइए। सर 7 to 9 फिर भी रिलायबल है, 5 to 7 रिलायबल नहीं है। ये वाला 7 to 9 रिलायबल है। और डेज चेंज करने के सही है डेज? डेज सही है, डेज पे। मगर एक बात अब यहाँ पर भी मुझे भी एक एतराज है, सही ना, ऐसा तो नहीं सकता कि यानी मेरे एतराज ना, तो मेरा सिर्फ एक एतराज है अगर मैं अर्ज कर सकूँ, इजाजत है? जी जी इजाजत, बिल्कुल इजाजत है सर आपको। आपको पता है आप लोगों को कि बेसिकली मेरा जो CCNA+CCNP है ना, तो उसमें मसला ये है कि मेरे जो क्लासेस है वो होते हैं मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे को। उसमें क्या होता है आपको पता है, उसमें टाइमिंग है 9 PM से लेकर 11 PM तक, क्योंकि मैं कम से कम 2 घंटे तो लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ सही तरीके से आए। तो 2 घंटे तो ये मेरा असूल हुआ। फिर दूसरा जो मेरी बात है
कि मैंने मंडे ट्यूजडे वेनेसडे इन लोगों के लिए एलोकेट कर दिए, और यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ये आएगा कि आप मंडे वेनेसडे पर मेरा जो है ना, मैं उनके लिए स्लाइड्स वगैरह तैयार करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, तो सारा फोकस इन तीन दिनों में उन पर होता है। तो फिर ये देखिए आपका दो दिन जो है ना इनके कन्फ्लिक्ट आएगा फिर, तो ये बात अब आती है दरमियान में। और फिर दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि 7 to 9 PM, तो अगर मैं 7 to 9 PM पर डिलीवर करूँगा, फिर आपके क्वेश्चन वगैरह लूँगा, तो इनका क्लास जो है ना वो 9 PM पर स्टार्ट होता है, वो डिले हो जाएगा। फिर दूसरी बात कि 9 PM to 11 PM पर इसका क्लास ये मैंने चूज़ किया था, इसकी वजह क्या थी? जी आवाज आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं यही कह रहा था आप लोगों से, आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? नहीं सर। अब आ रही है? जी अब आ रही। तो मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि ये देखिए मैंने 9 PM to 11 PM उनके लिए अब खुद से डिसाइड किया, क्यों? इसका एक रीजन था, रीजन ये था कि जो 9 PM के बाद जो है ना सब सो जाते हैं। अब मैं आपसे एक रियलिस्टिक बात कह रहा हूँ कि 9 PM के बाद जो है ना सब सो जाते हैं, तो जब सब सो जाते हैं तो यहाँ पर खामोशी होती है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह जब मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई चीज़ भूल जाए आप वीडियो देख के दोबारा याद कर सके, या आपको समझ में आए दोबारा देख सके, तो जब मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा तो यानी घर वालों की आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए खामोशी होगी। तो अगर 9 PM से पहले होगा तो फिर लोग खाना खाते हैं, मेहमान आते रहते हैं, तो बातें होती रहती है, तो वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर आपको मेरी आवाज़ सही नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9 PM से पहले जो है ना रियलिस्टिक बात यह है कि आप लोगों को भी मसला होगा, तो अब आप खुद कहें कि 9 PM से पहले होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको अपनी बात बता दी है। सर आपको आपकी क्लासेस भी 9 PM की होती थी CCNA की? जी सर आपकी क्लासेस तो 9 PM पे स्टार्ट होती है ना CCNA की भी, तो एक टाइम पे तो क्लासेस कैसे कर पाएंगे? नहीं मेरा मतलब है खैर डेट चेंज कर देंगे ना। डेट चेंज कर देंगे कर सकते हैं सर, आप ये कर लीजिए फ्राइडे कर लीजिए, सैटरडे कर लीजिए और संडे कर लीजिए सर, तीन दिन ही ऐसा करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर आप फ्राइडे ना करिए संडे को ज्यादा पढ़ा लें, या सैटरडे को एक एक घंटे पढ़ा लें, दो ही दिन कर दीजिए तब भी चलेगा सर। नहीं मेरा क्योंकि यहाँ पर फरहान कह रहे कि यानी 2-3 महीने में हो जाए तो अच्छा है, तो 2 दिन अगर हफ्ते में करेंगे तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतने हम पर टाइमिंग ज्यादा कर लेंगे ना, 3-3 घंटे टाइमिंग कर लेते हैं या तो 3 घंटे पर टिक नहीं पाएगा ना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये तो है ही है, फिर टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, फिर हजम नहीं हो पाएगा, सही है ना, ऑब्जर्व भी करना पड़ता है ना, सिर्फ क्लास लेना तो नहीं होता। जी 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 सुनना ही नहीं है, लिसन ही नहीं करना, उसको बैठाना भी है। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि 2 घंटे भी बहुत ज्यादा है, हम तो चाह रहे थे कि 1 ही घंटे की हो, हफ्ते की 6 दिन चले क्लासेस। तो एक काम करते हैं ना, सबसे राय लेते हैं कि मैंने जो टाइम दिए उससे कोई एग्री करता है, बहुत शान हुआ आप एग्री करते हैं। जी हाँ हम एग्री करते हैं। फरहान खान सही है सर, फ्राइडे सैटरडे संडे 9 to 11। मोहम्मद आसिफ जी सर ठीक है, परफेक्ट है ये टाइमिंग बेस्ट। मिस्टर रेजिनाल्ड डू यू एग्री दैट वी विल हेल्ड द क्लासेस ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे 9 PM to 11 PM पाकिस्तानी टाइम, डू यू एग्री? सॉरी सर व्हाट टाइम अगेन? मिस्टर रेजिनाल्ड आई वांट टू टेल यू दैट डू यू एग्री ऑन दिस टाइमिंग Friday, Saturday, Sunday, so 3 days a week and 9 PM to 11 PM, 2-hour class each day, so do you agree? Yes, I'll agree, sir. So the final decision is that we will work on this time. Ye faisla ho gaya hai, ab ek kaam karte hain. Ab main aapko ek procedure batata hu ki apne is course mein admission kaise lena hai, sahi hai? तो ये कोर्स तो स्टार्ट होगा आज है संडे, सही ना? तो ये कोर्स कब स्टार्ट होगा मैं भी आपको बता देता हूँ, ये कोर्स स्टार्ट होगा फ्राइडे को, इसका पहला दिन होगा आज, तो बेसिकली पहला दिन ही समझे, मगर एक डेमो सा था यानी हर कोई आ सकता था, मगर फ्राइडे को हर कोई नहीं आ सकेगा, फ्राइडे का जो आ सकेगा वो मैं भी आपको बताऊँगा,
और फ्राइडे को यानी बाकायदा सही से फर्स्ट सेशन होगा, आज भी सही से था मगर आज हर कोई आ सकता, फिर सही स्टूडेंट आएंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे आएंगे। और दूसरा बात है कि फ्राइडे को स्टार्ट होगा कोर्स बाकायदा, फर्स्ट डे होगा और उसमें हर कोई नहीं आ सकेगा, सही है। दूसरी बात ये कि फ्राइडे को फर्स्ट सेशन होगा हमारा, टाइमिंग है 9 PM to 11 PM और आज डेमो था, डेमो कम्प्लीट हुआ चाहता है और अभी मैं आपको बताऊंगा तरीका कि आपने इस कोर्स में एनरोल कैसे होना है। तो कोर्स में एनरोल होने का तरीका ये है कि ये हुआ न्यू ग्रुप, फॉर एग्जांपल इसमें मैं ऐड करता हूँ ये वाला डमी नंबर और इसको मैंने नाम देता हूँ स्फीयर बैच वन पेड ग्रुप। सो यहां पर मैं एक फोटो लगा लेता हूं, ये बन गए, सही। अब देखिए अब प्रोसीजर क्या होगा, आपको अगर फ्राइडे का सेशन ज्वाइन करना है क्योंकि उसमें हर कोई नहीं आ सकती, ये बात याद रखिए। तो ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप इसका जो फर्स्ट सेशन होगा ना, फर्स्ट सेशन ये मैं अभी लिख देता हूँ, फर्स्ट सेशन वुड बी ऑन फ्राइडे, सही है। और डेमो जो है ना, डेमो इज कंप्लीटेड टुडे, डेमो आज खत्म हो गया है। अगर किसी को डेमो का लिंक चाहिए, डेमो लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आपने किसी दोस्त के लिए लेना है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। अब आपने एडमिशन कैसे लेना है, चलिए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। ये बात याद रखिए, फ्राइडे तक जो है ना, फ्राइडे तक मेरा जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वीस्फीयर का ये वाला, तो ये ग्रुप इसलिए नहीं बना कि इसमें हम क्लासेस के लिए लोगों को लिंक भेजेंगे, जैसे ये है, ये तो इसलिए तक ये फ्री है, हर कोई आ सकता है, सही है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा मेम्बर है देखिए, मगर इसमें बहुत कम मेम्बर होंगे और सिर्फ पेड वाले होंगे, यही बंद जो है ना इसमें जो होंगे वो क्या कर सकेंगे, वो ये क्लासेस ले सकेंगे, ये वाले लोग नहीं ले सकेंगे। ये तो इसलिए भेजा क्योंकि डेमो था, फ्री था। अब ये ग्रुप किस लिए था, ये ग्रुप रहेगा, सही है, ये नहीं कि रिमूव हो जाएगा, ये ग्रुप रहेगा और इसका एक ही मकसद होगा, क्या मकसद, इसका मकसद ये होगा कि इसमें हम इंटरव्यूज लेंगे, कब तक, फ्राइडे तक, फ्राइडे तक हम इस ग्रुप में इंटरव्यूज लेंगे। देखिए दूसरा बंद अभी ज्वाइन हो गया, फ्राइडे तक हम इसमें इंटरव्यूज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 या 60 लोगों के इंटरव्यूज हमने ले लिए तो क्या होगा, ये देखिए हमारे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास ये इंटरव्यूज 1 2 3 4 आज 4 इंटरव्यूज हुए, ये इसकी रिजल्ट से, सही है। तो हम इस तरह इंटरव्यूज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 60 बंदों ने फ्राइडे तक इंटरव्यू दे दिया तो फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया अभी तक जो 60 बंदों में फॉर एग्जाम्पल 20 बंदे आते हैं और 20 बंदे ऐसे होते हैं कि उसके मार्क्स सबसे हाईएस्ट होते हैं तो उसको 100% डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा, फिर वो क्या कर सकेगा, वो 6 महीने का कोर्स जो है ना, 6 महीने का वो मुकम्मल तौर पर उसको फी पे नहीं करना पड़ेगी, वो मुकम्मल तौर पर क्या करेगा, वो हमें पैसे नहीं देगा, हमें वो हमारे साथ वो क्या करेगा, ये कोर्स 6 महीने का सीखेगा, वो भी किस तरह इस ग्रुप में आकर सीखेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर शर्त दोबारा बता देता हूँ, शर्त ये कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 40 बंदों के इंटरव्यू हुए या 30 के जितने भी, अगर आप टॉप 20 में आए जिसके मार्क्स ज़्यादा आए तो आपको इस 6 महीने का कोर्स का मुफ्त एक्सेस मिलेगा, 100% डिस्काउंट वाउचर, आपको 1 रुपये भी अदा करना नहीं पड़ेगा। तो जिसके इंटरव्यू हो गए तो वो तो हो गए, सही ना, जिसके बाकी उन्होंने देने, तो ये ग्रुप इसलिए है। अब इस ग्रुप का मकसद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं दोबारा एक चीज़ बता दूँ कि ये तो हुआ कि आपको ये कोर्स 6 महीने का फ्री कैसे मिलेगा, वो तो मैंने आपको तरीका बताया। अब दूसरा तरीका ये कि अगर आपने इंटरव्यू फेल कर दिया, फेल का मतलब यानी आप टॉप 20 में नहीं आए, तो फिर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट वाउचर, यानी आपको फिर फ्राइडे का क्लास अगर लेना है तो उससे पहले आपने फी सेंड करना होगा, यानी 50%। 50% का मतलब है कि आपने 6 महीनों का सारा फी सेंड करना होगा, वो भी आधा। तो
जो हमारा फीस है वो है 72,000 रुपीज पाकिस्तानी और 300 US डॉलर्स। सो अवर कोर्स फीस 300 US डॉलर्स। तो अगर आप फेल होते हैं यानी अपटू 20 में नहीं आते तो आपको 50% डिस्काउंट वाउचर आएगा, वो भी इसलिए कि आपने इंटरव्यू दे दिया। तो फिर क्या होगा, आपको जब डिस्काउंट मिलेगा तो आपने $150 पे करने होंगे या आपने 72,000 का आधा करके वो पे करने होंगे, सही ना। अगर आप इंटरव्यू ही नहीं देते, ऐसा बंदा जो इंटरव्यू ही नहीं देता, और इस ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा बंदे ना, तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आना चाहता है कि ये देखिए मैं कोर्स करना चाहता हूँ, इंटरव्यू वो नहीं देता, तो फिर क्या होगा, उसे फिर पे करना होगा फुल फीस 72,000 रुपये पाकिस्तानी या 300 US डॉलर। तो उसके लिए डिस्काउंट कोर्स नहीं होगा जो इंटरव्यू नहीं देगा। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताए इस कोर्स में इन्वॉल्व होने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि आप लोग क्या मशवरा देते हैं कि आप इस ग्रुप में किस तरीके से आना चाहते हैं। तो मैं पूछता हूँ फरहान खान से, फरहान खान आप किस तरीके से इस ग्रुप में आना चाहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में तो अभी तक कोई भी नहीं है, ये फ्राइडे तक इसमें बंदे आएंगे। सर पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि मैं इंटरव्यू दूं और मैं जो है स्कॉलरशिप अवेल करूं उस कोर्स की, और इन केस अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन लूं। सही है, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे क्योंकि आपका नेटवर्क और सिस्टम साइड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत ही बेसिक यानी इस तरह बहुत एडवांस नहीं होते। तो मेरा मतलब है कि आप टॉप 20 में तो आसानी से आ जाएंगे, सही ना, इंशाल्लाह। तो मोहित शानू आप बताइए कि आप किस की तरफ जाएंगे, कौन से ऑप्शन की तरफ। सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंटरव्यू दे चुका हूं, और पहला इंटरव्यू मेरा ही था जिसमें मैंने 54 मार्क ऑब्टेन किया है 100 में। आपका रिजल्ट पोस्ट हुआ है ग्रुप में कि नहीं? या सर पोस्ट हुआ है, फर्स्ट इंटरव्यू में। कहां पर है? यहां पर आपको नजर आ रहा है कहां है? पहला इंटरव्यू सर मेरा ही था, इसके बाद देखिए और नीचे जाइए सर। हाँ ये ऊपर गया, तो ये माशाल्लाह ये आपके मार्क्स है, सही ना। तो आप मुस्लिम हैं? या सर मुस्लिम हूँ। तो आप दुआ करें कि आप जो है ना टॉप 20 में आ जाएं। या सर अल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप नहीं आते तो फिर आपका क्या होगा? लिस्ट पैड एंड एंट्री द पैड ग्रुप। नहीं, अगर आप टॉप 20 में नहीं आते तो व्हाट वुड यू बी योर पाथवे, आप क्या करेंगे भाई? पैड ग्रुप में सर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आ जाऊं और कुछ नया सीखूं। और आप में सर मैं फीस नहीं समझ पाया कितना है फीस जो है ना, 300 कितना पाकिस्तानी रुपीज है? 300 US डॉलर्स। आप कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में तो कितने आते हैं? पाकिस्तानी कितना है सर? 72,000 आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इस कोर्स के लिए ले लेते, यानी आपको बहुत ही बेसिक से हम पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि इंटरव्यू अगर 72,000 सर पे करता हूँ तो ये फिर बीएम फेयर ही सीखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। हाँ आप फेयर प्रोजेक्ट्स में सीखेंगे और आप सबके लिए सरप्राइज भी होगा डेमो के आखिर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सरप्राइज जब आप चुनेंगे तो आप इस कोर्स में जरूर आना चाहेंगे, तो वो मैं आपको सरप्राइज भी दूंगा, सही है। ओके, तो मूव करते हैं मोहम्मद आसिफ की तरफ। मोहम्मद आसिफ आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप इस कोर्स में किस तरह आना चाहते हैं? मैं सर मैंने वो टेस्ट तो दिया हुआ है, मेरे पास इतना नॉलेज तो नहीं था, और बाकी मैंने आपसे बात कर ली है कि आना तो है अब इंशाल्लाह। ये आपका टेस्ट है, आप मार्क्स दे सकते हैं। जी वो 39 है मेरे मार्क्स। तो बेसिकली मैंने तो आपको दोस्त में बहुत सी चीज़ें बताई थी, और अभी आपने सेशन भी ले लिया होगा, आपको बहुत सी समझ आई गई होगी कि फीस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, सही ना। तो अब चलते हैं लास्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, मिस्टर रेजिनाल्ड, आर यू लिसनिंग? मिस्टर रेजिनाल्ड? यस सर।
So I want to say that this is VHDL batch one paired group. So in this group, there is no one. So those would be the participant of this group who will pay for this course. So there are three ways to come in this group and join the first session on Friday, coming Friday from 9 p.m. to 11 p.m. on Pakistani time. So this session is free of cost, which was sent in this group where there are too many people available in this group, but more sessions, links would not be available in this group. This is just for interview, etc. So if in top 20, your name will come, so you will be selected for free. You will avail 100% discount voucher for the 6 months course. So you will avail this course for free, which is of $300. So if you will be unsuccessful, if your name will not come, so what would be your strategy? Then you have only two options. If you have done interview, then you will give $150. You will pay 50% discount voucher. You will avail. You will give half fees. But if you haven't give interview, then you will pay fee of full. You will not avail any discount voucher. You will pay $300. So what would be your strategy? I guess I'll have to say I wait for the names to come. If I'm not there, then maybe I can go for the 50% discount. Okay, so let me tell you that your result. Is this your result? Come again? Mr. Reginald, is this your result? Yes. Yes, sir. So this is your marks, you can see. Yes, sir. So let me give you surprise and end the session. So surprise deta chalo aur uske baad hum session ko end karenge. Sahi? Surprise. So wait for the surprise. मगर सरप्राइज जो है ना उसमें अगर सस्पेंस ना हो तो मजा नहीं आता. सही है सरप्राइज का. तो चलिए सरप्राइज में थोड़ा सस्पेंस डालते हैं. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये हुआ सरप्राइज के सस्पेंस. आपको वेट करना पड़ेगा टोटल 5 मिनट्स. तो उस तक हम बातें करते हैं और फिर आपको सरप्राइज देंगे. तो सरप्राइज में सस्पेंस ना हो तो सरप्राइज नहीं रहता. तो लेट्स वेट फॉर सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू. तो आपका जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. तब तक ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है जॉब लेने का, और क्या इसमें ऑप्शन है सैलरी हाई का? क्या कितना फैली मतलब मिनिमम जो कंपनी प्रोवाइड करती है? सही है. तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूं. तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैंने जो कोर्स कंप्लीट किया था तो वो टॉप ट्रेनर से था पाकिस्तान का. तो उसी जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया था 3 महीने पहले, तो वो था 6 महीने का वीसीआर कोर्स. तो मैं भी इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ 6 महीने में, क्योंकि मैं अपने टीचर को फॉलो करके कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझसे अच्छा जानता है. तो इसलिए मैं भी आपको 6 महीने का सजेशन दे रहा था ताकि आप मेरी तरह बहुत डीप में सीखे. समझना. तो बेसिकली बात ये है कि जो मैंने 3 महीने पहले कंप्लीट किया, तो अभी दो तीन दिन पहले जो है ना, मुझे एक कॉल आई थी सुबह 11 बजे. लाहौर से एक कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप इंटरव्यू के लिए आए, तो आप वीसीआर जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए. तो $400 का सर्टिफिकेशन है VCPDCV का, तो वो भी हम आपको मुफ्त करा देंगे. सही है ना? और आप क्या होंगे, आपकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग है 80,000 विदाउट इंटर्नशिप, और आपका जो है ना स्टार्टिंग सैलरी 80,000 होगा. मगर आपको शर्त है कि आपको लाहौर इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, और इंटरव्यू के लिए 20 बंदों ने अप्लाई किया था, उसमें 4 बंदे शॉर्टलिस्ट हुए आपके साथ, और वो भी इसलिए कि हमने आपका आप सबका प्रोफाइल देखा था. तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसमें अपने प्रोजेक्ट्स किए थे इस हवाले से, तो इसलिए आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने आप और 3 और लोगों को सेलेक्ट किया है. तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, फिर मैंने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता. इसलिए यहाँ पर मैं बेसिकली मेरा जो जगह है ना, तो वहाँ पर मेरा जो यूनिवर्सिटी है, तो मेरे 2 सेमेस्टर रहते हैं. तो वो कहते हैं कि आपने सेमेस्टर कम्प्लीट करके फिर जॉब करना है, क्योंकि आप अगर ये 3 साल आपने बी एस कर दिया, 1 साल बाकी है, तो अगर आपने ये छोड़ा तो फिर आपको शुरू से
चार साल करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये वजह है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया, वरना मेरा दिल क्यों नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मुझे टीचर ने कहा कि यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग, क्योंकि अभी आपका बी एस चल रहा है तो आप जॉब के लिए नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो भी सर के साथ मशवरा करके, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करके कि मैं किस तरह पढ़ाऊँगा, कोर्स कोर्स कंटेंट से पढ़ाऊँगा अपना कि ऑफिशियल हो, और उन्हें क्या सरप्राइज गिफ्ट दूँ, उन्हें क्या क्या गाइडलाइंस दूँ। तो उनसे मैंने सारे चीज़ें समझी, उनसे ये भी समझा कि हफ्ते में कितने दिन कितने घंटे दूँ। उन्होंने तो मुझे खुद बताया कि 2 घंटे कम से कम दो, और ये भी उन्होंने बताया कि आपने ऐसा करना है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसे मसला है ना सही है, तो आपने उससे लाइफ सपोर्ट भी लेनी है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपने ऐसा करना है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो आपने खैर थोड़ी सख्ती मैंने वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया। तो मैंने सर से जो ना एक एक चीज़ एक एक गाइडलाइन मांगी थी, क्योंकि वो टॉप 10 एक्सपर्ट में आते हैं पाकिस्तान के वर्चुअलाइजेशन में, खुद वीएमवीआर बीस्फीयर का जॉब कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने उनसे सारी गाइडलाइंस ली, तभी मैं इतनी अच्छी ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने जिस ट्रेनिंग ली है तो वो बहुत ही टॉप का है। तो उन्होंने मुझे 6 महीने में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, तो इसलिए मैंने भी आपको 6 महीने का दिया। मगर वो आपकी मर्जी है, आप 2 महीने 3 महीने वो मैं कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि आप फिर सही से समझेंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझे कि फिर आप जब इंटरव्यू के लिए जाए तो मेरा एक सवाल और है आपसे सर, 50 सेकंड है कि फिर ये हम लोग इस पे एज अ प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, रियल नेटवर्क पे करेंगे कि हमें कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे प्रैक्टिकल? हमारे पास जो है ना सर्वर्स अवेलेबल है वीएमवीआर की तरफ से, तो हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, लैब्स करेंगे। अच्छा अच्छा, वो ऐसा है आपके पास सर्वर? नहीं, लैब तरह। आप गलत समझे, मेरे ये मतलब नहीं है कि मेरे पास सर्वर है। मैंने कहा कि वीएमवीआर के सर्वर्स है पब्लिकली, तो उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, मैंने ये कहा। ओके, वो आप एक सिस्टम पे इंस्टॉल करके रखे होंगे, उसी पे हम लोग को एज अ प्रैक्टिकल दिखाएंगे क्या है पे काम करना। पर हमें अगर प्रैक्टिस करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? तो आप भी मेरी तरह करेंगे ना, जिस तरह मैं आपके लिए करूंगा। ओके, वो बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है वीएमवेयर को, किस तरह काम करना है? वो इंस्टॉल नहीं, वो आसान तरीका है, वो मैं आपको 2 मिनट में ही बता दूंगा, सही है, जब आप कोर्स में एनरोल होंगे। ओके ओके, वो आसान है, सही ना। बेसिकली अब आते हैं सेशन को ख़त्म करने के लिए, मगर उससे पहले आपको सरप्राइज दे रहे। चलो, अगर आपने 6 महीने ये बात जो है ना अपने साथ लिखी है, क्योंकि अगर सबूत ना हो तो फिर लोग कहते हैं कि ये देखिए ये अपने बात से हट गए, यूटर्न ले लिया, इसने तो ये कहा था, तो आपने साथ लिखी है ये बात, क्योंकि ये सरप्राइज है। और ये मिस्टर रेजिनाल्ड, टेक यूर नोटबुक एंड राइट दिस सरप्राइज, बिकॉज इफ यू विल नॉट राइट दिस देन you will forget and you will say that he hasn't completed his words what he said in the demo. So after 6 months course completion kya hoga? Ye main abhi aapko surprise de raha hu, aapko main dunga Microsoft Azure AZ900 का सर्टिफिकेशंस, ये मैं आपको इसका वाउचर दूंगा, वो भी किस तरह 100% डिस्काउंट वाउचर मैं इस पर आपको दूंगा, यानी इसका जो फी है वो तकरीबन आई थिंक $200 है, वो मैं आपको फ्री करके ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा। फिर दूसरा सर्टिफिकेशन मैं आपको दूंगा VMware की तरफ से सर्टिफिकेशन है, इनका एक बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट है, ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप VMware इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो VMware Skyline Pro सर्टिफिकेशन है, ये प्रो का मतलब ये प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है, CCNP लेवल के बराबर का सर्टिफिकेशन है। तो ये मैं आपको दूंगा ये सर्टिफिकेशन, सही है ना, वो भी 100% डिस्काउंट वाउचर पे, और मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है ना। यानी सरप्राइज में मेरे पास आपके लिए 3 सर्टिफिकेशन है, तो ये 2 सर्टिफिकेशन हुए। तीसरा सर्टिफिकेशन मैं आपको दूंगा Fortinet Firewall का, जिसका बेज होगा NSE 1,
तो मैं आपको NSE1 सर्टिफिकेशन दूंगा, इसमें मैं आपको दूंगा दो सर्टिफिकेशन। इसमें जो एक सर्टिफिकेट होगा वो होगा कोर्स कंप्लीशन का, और दूसरा सर्टिफिकेशन होगा एग्जाम पास करने का। ये बातें अपने सर आपके साथ लिखिए, सही ना। NSE1 का सर्टिफिकेशन दूंगा, उसमें दो सर्टिफिकेशन दूंगा, एक कोर्स कंप्लीट करने का, एक एग्जाम पास करने का, सही ना। इसका वाउचर क्या होगा? ये होगा 100% डिस्काउंट वाउचर। तो आपको ये तीन सर्टिफिकेशन 6 महीने, ये बात याद रखिए, मैं दोबारा लिखो कि 6 महीने कोर्स जब आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको तीन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा, उससे एक दिन पहले नहीं। ये जब 6 महीने कोर्स आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको तीन सर्टिफिकेशन 100% फ्री देगा के दूंगा। तो मैंने आपको बात सरप्राइज दे दिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो उसमें आप पूछ सकते हैं। आप लोग करेंगे, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का सर्टिफिकेशन कराएंगे, इसके कुछ कुछ बेसिक नॉलेज भी देंगे ना, तभी तो सर्टिफिकेशन होगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। नहीं नहीं, वो सर्टिफिकेशन जब आप करेंगे ना, उससे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगा, वो मैं नहीं दूंगा, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो आप सेल्फ स्टडी जो है ना, आप ट्रेनिंग लेंगे, आप समझेंगे उसको और सर्टिफिकेशन करेंगे। अच्छा, हम खुद उसको सीखेंगे सर्टिफिकेशन के लिए फिर जाएंगे हम। ये जो मैंने किए ना, तो मैंने खुद सीखे है, क्योंकि एक कोर्स पर पढ़े होते हैं वीडियोस फॉर्म में, सही है ना। तो आपने वहाँ से फिर सीखने हैं, मगर जरूरी तो नहीं कि आपने सीखना है, आप जस्ट सर्टिफिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर आपने सीखना है तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल मौजूद होता है। फिर ये सर्टिफिकेशन आप कैसे देंगे? वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, और फिर आपने वो फॉलो करके आपने सर्टिफिकेशन करनी। ओके, हमें लगा कि आप ये पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी VMware। आपको पता है, आप जो कह रहे हैं आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बताऊं ना, तो वो तो एक क्या चीज है, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर वो मैं आपको पढ़ाऊं तो वो तो अलग से टाइम लेगा, मैं अलग से उसके लिए प्रिपरेशन के लिए करूंगा। और स्काईलाइन जो है ना, वो भी मैंने ये दोनों सर्टिफिकेशन मैंने किए हुए मुझे आते हैं, तो वो भी अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस तरह, जैसे मैं आपको विश्वर पढ़ाऊंगा, प्रिपरेशन करके आऊंगा, आपको समझाऊंगा, तो इस तरह ये भी मैं आपको प्रेस का टाइम दूंगा। ये 14th फार्मर जी, ये हमें सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप सिर्फ ओनली सर्टिफिकेशन बता देंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है क्वेश्चन में, ये आप वो बेसिकली करो। आप खुद सोचें ना कि अगर मैं आपको एक एक चीज की ट्रेनिंग दूं, तो आप खुद सोचिए, तो एक एक यानी एक एक चीज जो है ना, तो ये आपको ये सर वीडियो कहाँ से प्रोवाइड कराएं? आप देंगे कि हमें कहीं से ढूंढ के? नहीं नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, आप खुद तरीका फॉलो करके सर्टिफिकेशन करेंगे। तो ये आप खुद बताए कि अगर मैं आपको एक कोर्स पढ़ाऊं तो अलग अलग कोर्सेस है बहुत बड़े बड़े, तो उसके लिए तो फिर अलग फी होगा, अलग सा टाइम निकालना पड़ेगा, अलग सा कोर्स होगा, तो ये तो फिर अलग बात आ गई ना, क्योंकि हमारा तो कोर्स विशेष है। इस तरह तो ये अलग कोर्स है, ये अलग कोर्स है, ये अलग कोर्स फायरवॉल, तो ये तो अलग अलग चीज है। मैं आपको सिर्फ वो सरप्राइज में ये बता रहा था कि आपको ये तीन बड़े बड़े सर्टिफिकेशन में दूंगा। खैर, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ मैंने जो सर्टिफिकेशन की हुई। ये मेरे हफ्ते के 56,425 ये मेरे इम्प्रेशन हैं प्रोजेक्ट्स पर। ये देखिए, ये सर्टिफिकेशन मैं आपको करवाऊंगा, ये एग्जाम पास करने का NSE1 सर्टिफिकेट है 14th फायरवॉल का। ये देखिए NSE1, ये देखिए इस पर CEO वगैरह के दस्तखत हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट मैं आपको करवाऊंगा ये वाला, ये है कोर्स कंप्लीट करने का, ये सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सिग्नेचर है, ये कोर्स कंप्लीट करने का, ये देखिए कंप्लीटेड द कोर्स, ये सर्टिफिकेट मैं आपको करवाऊंगा। तो ये दोनों किस चीज़ में आते हैं? ये आते हैं इसमें 14th फायरवॉल में। फिर दूसरा जो है VMware का है प्रोफेशनल, तो वो मैं आपको दिखाऊं। ये वाला, तो ये सर्टिफिकेशन मैं आपको करवाऊंगा, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, ये सीसी ने जैसे हमारे पास 3 दिनों में एक्सपायर हो जाता है, सॉरी 3 साल में एक्सपायर होता है, तो ये
हमेशा के लिए रहते हैं, ये इस बार नहीं होता। ये देखिए VMware कंपनी का सर्टिफिकेट है, स्काया एडवाइज प्रो प्रोफेशनल लेवल। तो ये क्या है, तो ये देखिए ये अलग सा कोर्स है, देखिए ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप देखिए वेरीफाइड है। तो ये सर्टिफिकेशन मैं आपको करवाऊंगा, ये विश्वर के इंटरव्यू में अगर आप ले जाएंगे हार्ड फॉर्म में तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सही है। तो अब समझे आप लोग के नहीं जी जी तो किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके सर, किसी का क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा सर बहुत लेट हो गया है, सुबह हम लोग को ऑफिस भी करना, तो बेस्ट इंदम। ये बात याद रखिए कि हो सकता है कि आप लोग मेरे साथ जो है ना ये आखिरी बात है, आखिरी मीटिंग हो, क्योंकि हो सकता है आप लोग उस ग्रुप में ना आ जाए और हमारा ताल्लुक फिर आगे ना रहे, सही ना, पेड कोर्स में। तो अगर मैंने कोई दिलाजारी की हो, कोई गलत बात की हो, तो मैं आप लोग नहीं नहीं सर, आपने कुछ नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की, आप इसके लिए बेफिक्र रहें, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, पढ़ाया भी बहुत डीपली पढ़ाया। मोस्टली क्या होता है डेमो क्लासेस कोई एक घंटे के लेता, कोई ढाई घंटे के नहीं लेता, आप 10 बजे से ले रहे हैं अभी तक आप डेमो क्लासेस ही ले रहे हैं, तो थैंकफुल सर कि आपने इतने अच्छे से समझाया और इतने अच्छे से पढ़ाया, आप पूरी आपने 100% दी। मगर फिर भी इंसान से कभी कभार गलती हो जाती है, कोई बंदा खफा हो जाता है, तो इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। अगर मुलाकात रही तो इंशाल्लाह फिर कोर्स में आपके साथ मिलेंगे फिर ग्रुप में, और आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह खास थे मेरी पर्सनली, अगर आप माइंड ना करें कि आपके जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हो उनको इस प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करें, मैं आपको इस रिकॉर्ड का लिंक भेजूंगा, आप उन्हें कहें कि ये देख लें, फ्राइडे तक फैसला करें कि आपने इनरोल होना है कि नहीं। तो काइंडली खैर उन्हें बताइए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, खैर सर पैसे नहीं लेगा, आप उन्हें बताइए कि सर जो है ना वो मेरिट पर आपको, अगर आप पुअर हैं आप पैसे नहीं दे सकते, तो आपने अगर अच्छे मार्क्स लिए इंटरव्यू उनके साथ लिए सही पार्लियामेंट का पार्लियामेंट निकाले, तो क्या होगा अगर आप टॉप 20 में आए तो खैर आपको फ्री भेजा जाएगा, क्योंकि हमसे पैसों के लिए, मैं पैसों के लिए नहीं करा के मैं आपसे पैसे लूँगा, अगर मैं पैसे लेता तो मैं 20 बंदों को फ्री में शामिल नहीं करता, सही है। तो आप लोग सही ना अपने रिलेटिव वगैरह के साथ के बारे में गाइड करें कि आप उनसे खैर इंटरव्यू ले लें, कि अगर पास हो गए तो आपको ये कोर्स 6 महीने का मुफ्त मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि पैसे दे, सही ना। तो खैर प्लीज़ आप लोग ये कोर्स जो है ना स्प्रेड कीजिए, मिस्टर रेजिनाल्ड प्लीज़ स्प्रेड दिस कोर्स एंड स्प्रेड द डेमो, आई विल शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दे कैन आल्सो लर्न फ्रॉम इट एंड टेल देम दैट यू कैन अवेल द 100% डिस्काउंट वाउचर फॉर फ्री ऑफ दिस ट्रेनिंग बाय इफ़ यूर नेम विल कम इन द टॉप 20 स्कोर एंड इंटरव्यू। सो प्लीज़ मिस्टर रेजिनाल्ड स्प्रेड दिस कोर्स recorded video lecture. So thank you so much, aap logon ne time diya, milte hain inshallah next lecture mein, tab tak apna khayal rakhiye, agar galti hui hai to maafi mangta hu, Allah hafiz. Allah hafiz. Thank you sir. Mr. Reginald, thank you so much, goodbye.